another topic under our midnight revision series, depreciation and amortizations. The great Shakespeare once said, नाम में क्या रखा है guys? The fact is, नाम में ही रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है. Depreciation मतलब क्या? Reduction in the value of tangible assets. और amortization मतलब क्या? Depreciation on intangible assets को amortization बोलते हैं. मतलब reduction in the value of intangible asset is known as amortization. तो भाई जो रिडक्शन टेंजिबल असेट्स के लिए होता है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और जो इनटेंजिबल असेट्स के लिए होता है उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन. ओल्ड सिलेबस में केवल डेप्रिसिएशन था, नए सिलेबस में अमोर्टाइजेशन भी डाल दिया. तो सर ये नया है, कुछ डिफिकल्ट है क्या? नो, इनफैक्ट डेप्रिसिएशन से इजी है, डेप्रिसिएशन से इजी अमोर्टाइजेशन. ठीक है, चलिए आइएगा, लेट्स बिगिन. ओके लेट्स गो. उत्सव चार्जर हेलो. ओके शुरू करिए. तो बर्ड्स आई व्यू में क्या क्या पढ़ना है? डेप्रिसिएशन मीनिंग व्हाट आर डेप्रिशिएबल असेट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डिप्लीशन मेथड, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट व्हेन असेट्स आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, एंड इंटेंजिबल असेट्स अमोर्टाइजेशन. एक बार गो थ्रू करेंगे दोस्तों, कुछ याद आ रहा क्या? याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ याद आ रहा है क्या? यस प्रेम, गुड इवनिंग. दुर्गा, गुड इवनिंग. याद आया क्या? कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं कुछ. मोहम्मद कैफ कह रहा है आ रहा है. एक बार अच्छे से देखो तो याद आ रहा है क्या सब? जरा चेक करना. हाँ रे टोक्यो, गुड इवनिंग. कितनी बार बोल रहे अभी मैं? गुड इवनिंग हर्ष, तुषार. हाँ सर याद आ रहा है. पूर्वी, यस सर याद आ रहा है. स्मिथ, गुड. चलिए आइए स्टार्ट करते. तो दोस्तों व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. ठीक है, अब ये जो वैल्यू रिड्यूस होती है असेट की वो क्यों होती है? ठीक है, इट इज ड्यू टू वियर एंड टियर due to use of assets. ठीक है, asset में wear and tear आएगा. क्यों? क्योंकि आप इसको use कर रहे हो. Inflection of time, inflection of time मतलब passage of time. And तीसरा है obsolescence of assets to market changes or technology changes. मतलब technology change हो गई तो अब वो asset की कोई value नहीं, उसकी value गिर जाती है. तो दोस्तों depreciation is nothing but reduction in the value of asset, and that reduction in the value of asset is due to these three factors. पहला है वियर एंड टियर, दूसरा है इफ्लक्शन ऑफ टाइम, एंड तीसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी. ठीक है चलिए. ओके सर, इस चैप्टर के रिवीजन का मुझे बहुत इंतजार था. जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आई है, आई है, आज डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, साथ में अमोर्टाइजेशन भी करेंगे. आइए नेक्स्ट. नाउ डेप्रिसिएशन में दोस्तों सिर्फ डेप्रिसिएशन कवर नहीं होता है, उसके अलावा डिप्लेशन भी कवर होता है. व्हाट इज डिप्लेशन? इट इज डेप्रिसिएशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. Amortization, it is depreciation on intangible assets. और एक है obsolescence, it is reduction in the value of asset due to change in technology. ठीक है, next.
सर आप सीए ही अच्छे हो सिंगर ने, तेरे को किसने पूछा यार तन्मय, बीच बीच में मुंह मारने की आदत कब जाएंगी क्या, तेरे को पूछा क्या मैंने कि मैं सिंगर अच्छा हूँ क्या सीए अच्छा हूँ? और ए बैगन ध्यान दे इधर, सी कहीं का। तो आई होप डेप्लीशन आपका समझ में आ गया। व्हाट इज डिप्लीशन? जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं डेट इज डिप्लीशन। जब भी हम इनटेंजिबल असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और ऑब्सोलेसेंस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो तीनों भी टर्म्स है, मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर डेप्रिशिएबल असेट्स? किसे कहेंगे डेप्रिशिएबल असेट्स? डेप्रिशिएबल असेट ऐसे असेट होते हैं दोस्तों जो कि आप एक साल से ज्यादा यूज करने वाले हो, उनकी लाइफ लिमिटेड होगी, ठीक है, और वो आप यूज कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन पर्पस और फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर उसको रेंट पे देने के लिए आप उसको हेल्ड किए हो एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक साल से ज्यादा के लिए यूज कर रहा हूँ, उसकी लाइफ लिमिटेड होगी, एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा हूँ, मैं उसको यूज करने के लिए खरीदा हूँ, टू प्रोड्यूस, टू सप्लाई गुड्स, टू सेल माय गुड्स, इस पर्पस के लिए मैंने उसको खरीदा है, तो उसको कहेंगे डेप्रिशिएबल असेट। इसलिए दोस्तों लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट। लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि लैंड की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ रहा तो ही डेप्रिसिएशन लगेगा। लैंड एज अनलिमिटेड लाइफ, इसलिए उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए दोस्तों? डेप्रिसिएशन जाएगा पीएल के डेबिट में, अगर पीएल के डेबिट में गलत फिगर चला जाता है डेप्रिसिएशन का तो हमारा प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इंटेंशन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज कि करेक्ट प्रॉफिट हमें जानना है। दूसरा, टू असर्टेन द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दोस्तों डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट में तो जाता ही जाता है, असेट के वैल्यू में भी रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज कर दिया तो आपके असेट का वैल्यू भी जो बैलेंस शीट में दिखेगा वो गलत होगा। तीसरा, टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में देखा कि जब भी डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं ऑन ईच एंड एवरी एसेट विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस लाइक प्लांट एंड मशीनरी, वो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाता है। दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, ठीक है, दैट डिप्रिसिएशन अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चौथा है, टू एक्युमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। हम पीएल के डेबिट में तो डालते हैं हर साल, लेकिन उसके वजह से कोई कैश फ्लो होता है क्या हमारा? जी नहीं। क्यों? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। दोस्तों हम भले ही प्रॉफिट में से हर साल रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन मेरा कैश रिड्यूस हुआ क्या? नहीं। तो लाइफ खत्म होने के बाद ये जो कैश हमने साइड में निकाल कर रखी थी हर साल डेबिट के बाद, वो मेरे पास अवेलेबल हो जाती है नया असेट खरीदने के लिए, क्योंकि पुराने का लाइफ अब खत्म हो चुका है। एंड गाइस, टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो यू विल हैव टू कंपल्सरीली चार्ज डेप्रिसिएशन। मतलब उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है जो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आया है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। चलिए नेक्स्ट। सर अकाउंट्स दो बार रिवीजन हो गया है, बढ़िया है, बधाई हो बेटा। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए? सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट। What do you mean by historical cost? ऐसा cost जो हमने जिस cost में asset को खरीदा है और उसमें हम उसका acquisition cost, installation cost, commissioning cost, erection cost, मतलब हर वो cost
जो जरूरी है वो असेट को खरीदने के लिए, वो सारा हम उसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब मेरा असेट ये कितने साल चलेगा ना। यूजफुल लाइफ कैन बी इन ईयर्स, वो ईयर्स में भी हो सकता है, वो आवर्स में भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकता है। लाइफ कैन बी इन ईयर्स, इन नंबर ऑफ आवर्स एंड इन नंबर ऑफ यूनिट्स एज वेल, ठीक है। और ये जो लाइफ होती है एसेट की, ये तीन फैक्टर की वजह से बदल सकती है, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस एंड लीगल और अदर लिमिट। तीसरा है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअल वैल्यू? असेट की इकोनॉमिक लाइफ खत्म होने के बाद उससे कितना पैसा मिलेगा। भंगार वैल्यू जो हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो एक असेट पर अपने लाइफ टाइम में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो एक असेट पर अपने लाइफ टाइम में दोस्तों डेप्रिसिएशन लगेगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मान लो असेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपया और उसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000, मतलब इस असेट पर उसके जिंदगी में टोटल 90,000 का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। अब मान लो लाइफ 9 इयर्स है तो हर साल 10,000 लगेगा। दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन दैट इज गोइंग टू बी चार्ज ऑन द असेट, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। कितने मेथड्स हैं? तो कुल मिलाकर 6 मेथड है दोस्तों। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो नोन एज WDV मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड एंड डिप्लीशन मेथड, ठीक है। चलिए एक बार मेथड्स के नाम पढ़ लीजिएगा, लाइक कर दो रे सेशन को प्लीज। अपना अटेंडेंस मार्क कर दे लाइक करके, ऊपर वाला दुआ देगा आपको। सर 2019 में परचेस की और इंस्टॉल 2020 में की, तो डेप्रिसिएशन कब से लगेगा? व्हेन असेट इज पुट टू यूज, व्हेन असेट इज पुट टू यूज, जब हम लोग असेट को यूज करना स्टार्ट करते हैं तब से डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ डिटेल नहीं दिया गया है तो ये अज्यूम किया जाता है जब परचेस किया तभी यूज करना स्टार्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, परचेस करने के तुरंत बाद डेप्रिसिएशन लगने लगता है सर? नो, रूल इज व्हेन असेट इज पुट टू यूज, ठीक है, व्हेन असेट इज पुट टू यूज। आइएगा नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। Now, according to this method, an equal amount is written off every year during the working life of an asset so as to reduce the cost of asset to nil or its residual value at the end of its successful life. तो दोस्तों straight line method, straight line method का मतलब क्या है? हर साल same depreciation लगेगा। कैसे निकालते हैं वो depreciation? Cost of the asset minus scrap value divided by useful life, और ये useful life किस में होगी? ईयर्स में। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर निकालना है कि किस रेट से ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो इट विल बी गाइस डेप्रिसिएशन पर ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये अमाउंट में आ जाएगा, दिस इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये है परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। दो अलग अलग फार्मूले, ठीक। Now, ये मेथड में अजम्पशन क्या है कि ये असेट जो मैंने खरीदा है ये मुझे हर साल मुझे इक्वल बेनिफिट देता है, ठीक है। नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड कौन कौन से असेट के लिए सुटेबल होता है? ऐसे असेट जहां पर रिपेयर चार्जेस कम होंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस कम होंगी, ठीक है। मतलब ये जो मेथड है दिस इज सुटेबल फॉर फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीज एक्सेट्रा,
ठीक है। तो दोस्तों वेरी सिंपल, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। सर एग्जाम में कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो स्ट्रेट लाइन मेथड करना है क्या? 100% आपको मेथड का नाम दिया जाएगा कि कौन सी मेथड यूज करनी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है विदाउट स्पेसिफाइंग द मेथड प्लीज, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट। हेलो सर, 3 जून को एफएम की क्लास में मिलते हैं, स्वागत है आपका नितेश, बिल्कुल स्वागत है बेटा। आइए पहला इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंट 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एवरी ईयर। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर। शो मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2018 एंड 2019। तीन बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कॉपीराइट मतलब आपके गाने, आपके लिरिक्स, ठीक है, गाने लिरिक्स आपकी बुक कोई कॉपी ना करे उसको कहते हैं कॉपीराइट। पढ़ लेंगे दोस्तों क्वेश्चन, हर एक मेथड पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए रेडी। आइए तो कब का बनाना है, 2018 और 2019। कब खरीदा है असेट, 1 जुलाई 2018। 14 लाख का असेट और 1 लाख का इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मतलब असेट की कॉस्ट कितनी हो गई 15 लाख, ठीक है। मुझे बताना दोस्तों 2018 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 2018 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 जुलाई को खरीदा मतलब 6 महीने यूज हुए, 15 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 75,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। एंड गाइस 2019 में कितना लगेगा, 15 लाख पे 10%, 1.5 लाख लगेगा, ठीक है। आइए दोस्तों कर लेते हैं। सर आप इंदौर में ही हो क्या? नहीं, निकल गया हूं मैं। ओके लेट्स गो। तो सबसे पहले असेट खरीदने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 1 जुलाई 2018, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14 लाख बेसिक कॉस्ट, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आ जाएगा 1 जुलाई 2018 टू बैंक 1 लाख, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 6 महीने का 75,000, लिख देंगे लास्ट मंथ 31/12 बाय डेप्रिसिएशन 75,000, कैलकुलेशन आपके सामने, लेजर क्लोज कर देंगे 15 लाख डेबिट 15 लाख क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर 14,25,000, 14,25,000, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर, फिर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे 1,119, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,25,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगा देंगे 1.5 लाख रुपया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है एंड कॉस्ट ऑफ द असेट इज 15 लाख। आइए दोस्तों क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे 14,25,000 डेबिट, क्रेडिट में भी उतना लिख दूंगा, बैलेंसिंग फिगर 12,75,000। दिस इज सुपर इजी गाइस, दिस इज सुपर इजी, दिस इज सुपर इजी। चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला था, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है। और क्लोज कैसे करेंगे, नॉमिनल लेजर है पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, सेम फॉर सेकेंड ईयर 1.5 लाख पीएल में ट्रांसफर कर देंगे 1.5 लाख। सर इतना इजी एग्जाम में आएगा क्या? नहीं।
नेक्स्ट दूसरा मेथड है दोस्तों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगता है, ठीक है। व्हाट इज रिड्यूसिंग बैलेंस, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने 1,00,000 रुपए का असेट खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1,00,000 पे 10% 10,000, अब असेट की वैल्यू कितनी बचती है 90,000, फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन 9,000, एसेट की वैल्यू कितनी बचती है 81,000, फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन 8,100। तो दोस्तों यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो असेट के रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगता है, ठीक है। मतलब क्या, हर साल का डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम था, यहां पर हर साल का डेप्रिसिएशन सेम नहीं होगा, स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा होगा, और जैसे फिर असेट आगे बढ़ता है, जैसे हम असेट को यूज करेंगे, हर साल कम डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लो आपकी कमी थी, आपकी कमी थी, कई सी है दुनिया में लेकिन आप जितना सी देखा नहीं मैंने, विशाल जैसे आपका नाम है उतने ही विशाल सी निकले आप, तो विशाल सी निकले ये। भाई अब आना मत वापस, अब गलती से भी अगर तू आ गया ना तो फिर, कल मैंने शमीम को रोक दिया था, आज रोक नहीं पाऊंगा उसको, आज रोक नहीं पाऊंगा शमीम को, कल तो मैंने रोक दिया, ठीक है, अब नहीं रोक पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक्सप्लेन कर दिया, यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। चलिए नाउ, ये कौन से असेट को सूट करता है, ये वो असेट को यूज सूट करता है जहां पे अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द असेट्स ग्रो ओल्डर। जितना आप असेट को यूज करेंगे उतना रिपेयर ज्यादा करवाना पड़ेगा, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेसेंस आर मोर, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1st जुलाई 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंट 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम एवरी ईयर एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर। तो दोस्तों कितने का असेट खरीदा है, 15 लाख रुपीस का, ठीक है। कितने साल का करना है, 2018 एंड 2019। 2018 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीने का लगेगा, 15 लाख पे 10% डिवाइडेड बाय 12 इनटू 6 75,000। अब 15 लाख में से दोस्तों 75,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाया, कितना बचा, 14,25,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1,42,500। दोस्तों ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, आइए चेक करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो दोस्तों असेट खरीद लिया, बेसिक कॉस्ट 14 लाख रुपया, इंस्टॉलेशन का 1 लाख रुपया डाल दिया, डेप्रिसिएशन लग जाएगा फर्स्ट ईयर का 6 महीने का 75,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 14,25,000। सेम इधर भी दोस्तों ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,25,000 आ गया, बाय डेप्रिसिएशन 14,25,000 इंटू 10% 142,500 आ गया, एंड गाइस क्लोजिंग बैलेंस आ गया 12,82,500, ठीक है।
नेक्स्ट तीसरा है भाई सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, आइए इसको समझते हैं। इट इज अ वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड एज पर द बिलो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कितने साल लाइफ बची एसेट की इंक्लूडिंग करंट ईयर। मतलब मान लो अगर 10 साल लाइफ है एसेट की, तो पहला साल क्या आ जाएगा 10, दूसरे साल कितना आ जाएगा 9, तीसरे साल कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स इन इयर्स। मतलब अगर 10 साल लाइफ है तो 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 55 लिखेंगे नीचे। उसी तरह दोस्तों अगर 5 साल लाइफ है तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए ऊपर आ जाएगा 5 साल, नीचे आ जाएगा 1+2+3+4+5 15। ठीक है, आई होप समझ में आया सभी को। सर लिख नहीं रहा, ये छोटा सा मैं, इसलिए चलेगा ना? यस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे के जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के करेंगे अपन भी, मैं भी लिखाऊंगा तो मजा आएगा। चलिए क्लियर। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। सेकंड ईयर का कैसे आएगा? सेम रहेगा, सिर्फ 9/55 हो जाएगा। थर्ड ईयर का 8/55, फोर्थ ईयर 7/55। ठीक है, लास्ट ईयर 1/55। इतना सिंपल है ये। ठीक, नेक्स्ट आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। गेमिंग अब तेरे को ब्लॉक कर दूंगा, बातें अगर किया ना तूने चैट बॉक्स में, ब्लॉक कर दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू गेमिंग। मेरे को एक सिंगल कमेंट नहीं चाहिए चैट बॉक्स में तेरा, ठीक है ना? और बोल रहा है मेरा 2 बार रिवीजन हो गया। जिसका 2 बार रिवीजन हो गया ना, वो ऐसे टाइम पास नहीं करता चैट बॉक्स में। नेक्स्ट, मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑफ ₹10 lakhs, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वर 10 years एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/14। ठीक है, आइए 2014 से डेप्रिसिएशन लगाना है। शो मशीनरी अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2019। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, मेरे को पूछा है 2019 का असेट खरीदा है 2014 में खरीदा है, तो अब मेरे को तो 2019 का बोला है, तो 2019 का मुझे ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। मतलब असेट खरीदने से लेकर तो 2019 तक मेरे को हर साल चेक करना पड़ेगा कि कितना डिप्रिसिएशन लगा है। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो हर साल का डिप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइएगा दोस्तों वर्किंग नोट बनाते हैं, आइएगा वर्किंग नोट बनाते हैं। नाउ 2014 में ध्यान देना, 10 लाख रुपए का असेट खरीदा। फॉर्मूला क्या है? 10 लाख कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये रही कॉस्ट, ये रही स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने साल की लाइफ बची है, 10 साल, और टोटल कितना आ जाएगा 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10। तो दोस्तों पहला साल हो जाएगा 8,80,000 × 10/55। पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,60,000, वो हो जाएगा 8,40,000। फिर सेकेंड ईयर 8,40,000 ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, केवल ये चेंज हो जाएगा 9/55 हो जाएगा। ये सेकेंड ईयर का डेप, ये सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस, ये डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस। 2017 ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस, 2018 ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस। अब दोस्तों इस साल का 2019 का अपने को बनाने के लिए उन्होंने बोला है, तो ओपनिंग बैलेंस 3,60,000 लिख देंगे गाइस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000।
सर एमटीपी भी करवा दो, जो करवा रहा हूं वो कर पहले, इसमें सब कवर है येड़े। चलिए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 साल की लाइफ बची है, 8,80,000 इंटू 5/55, 80,000 लिख दूंगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 80,000। और दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस कितनी बची, 2,80,000। आप लेजर क्लोज करोगे तो यहां पर भी आपको दिखेगा 2,80,000। ठीक है, ये रहा दोस्तों ओपनिंग बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और डेप्रिसिएशन का लेजर भी बोला था इन्होंने, टू मशीनरी अकाउंट 80,000, उसको पीएल में डाल दिया 80,000। किसी को कोई शक, ये वर्किंग नोट चेक करना सर, अगर 20 इयर्स लाइफ है देन 55 चेंज हो जाएगा 2010 से। क्या काम पे लगा दे मेरे को हशमिम, तू करो 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 इयर्स, 210 आ जाएगा बेटा। किसी को कोई शक, ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को कोई शक, डाउट आ रहा है तो पूछो भाई। सर 2014 वाला बता दो, ये बताया 2014 वाला, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ द असेट कितना है, कॉस्ट ऑफ द असेट 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट इंक्लूडिंग करंट ईयर, पूरे 10 साल लाइफ बची है इंक्लूडिंग करंट ईयर, और जितनी लाइफ है उसमें जितने भी डिजिट्स आते हैं उसको प्लस करना है, तो 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 55 कर लो कैलकुलेट, 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 55, ये आ गया पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,60,000। सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, रोज लगता बेटा। ठीक है चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट मेथड, मशीन आवर मेथड। इट इज सेम लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और ये जो यूजफुल लाइफ होती थी वो इयर्स में होती थी, यहां पर क्या होगा मशीन आवर में होगा। ठीक है, घंटों में हम लोग लाइफ निकालेंगे। तो दोस्तों एक घंटे का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, और फिर एक साल में कितने घंटे वो चला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डेप्रिसिएशन एज पर मशीन आवर मेथड आ जाएगा। ठीक है चलिएगा सर, 84,000 कैसे आता रे बैगन, क्लोजिंग बैलेंस रे वो, और वो 84,000 नहीं है 8,40,000 है, अरे 10 लाख का असेट लिए 1,60,000 डेप्रिसिएशन लगाए तो कितना बचेगा, 8,40,000 बचेगा ना, ए होपलेस, पास होना है बोले इनको सीए फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट, अब मशीन वाज कोई बोलेगा नहीं इनको देख के कि 20 दिन बचे एग्जाम, अरे नालायको, एक तो पहले तो वो 8,40,000 है उसको 84,000 पड़ रहा, पहले तो आंखों का इलाज करा, और प्लस वो 8,40,000 क्या है, वो क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है भगवान बचाए तुम लोगों को, तुम्हारी हरकतें ऐसी देख के इंस्टीट्यूट ने 3 बार एग्जाम लेकर आई साल में। मशीन वॉज परचेज फॉर 30 लाख हैविंग अ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 24,000 आवर्स, द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख, एंटीसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर इज एज फॉलोज, मेरे को बताओ एक घंटे का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, एक घंटे का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000,
ये आ गया दोस्तों 116.67 पर घंटे का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो दोस्तों आ जाइएगा, पहले तीन साल मतलब पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, हर साल 3000 घंटे यूज हुआ पर ईयर दिया है। दोस्तों पहले तीन साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, इट विल बी 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख फॉर 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 3,50,000, दूसरे साल का 3,50,000, तीसरे साल का 3,50,000। ठीक है, 4, 5 और 6 ईयर्स में कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2600 कर दो। ठीक है, 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2600, 3,03,333। एंड गाइस मल्टीप्लाइड बाय 1800 कर दो, 2,10,000, 7, 8, 9, 10 पर ईयर 2,10,000 आ जाएगा। आई होप एवरीवन गॉट दिस। ये इतना सिंपल है दोस्तों, ये इतना सिंपल है, समझ में आया क्या? अर्पिता स्वाहा, बड़ी गड़बड़ लिख रही है आपको अर्पिता, शादी वादी करने की, सीए बन जाओ बेटा पहले। ये हो गया ब्लॉक, एक बंदा ब्लॉक हो गया 24 घंटे के लिए ब्लॉक, हेल गेमिंग। चलिएगा प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सेम लाइक मशीन आवर है दोस्तों, सेम, सिर्फ यहां पर जो लाइफ होगी वो लाइफ यूनिट्स में होंगी कि कितने यूनिट्स ये मशीन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको पर यूनिट का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ये आ जाएगा पर यूनिट का डेप्रिसिएशन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक साल में कितने यूनिट्स बनाए। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5, आज का पहला विकेट, दूसरा विकेट गिरा है आज का हेल गेमिंग के रूप में। अब मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख, इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स। अब लाइफ यहां पे 10 साल दिया है, कोई मायने नहीं रखता। विद अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन इज एज फॉलोस। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर 20,000 यूनिट, 4, 5, 6, 7 15,000 यूनिट पर ईयर, 8, 9, 10 10,000 पर ईयर। आइए दोस्तों कौन सा मेथड यूज करना है, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मतलब ये जो लाइफ इन ईयर्स दिया गया है ये क्या है, टाइम पास है, ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। ठीक है, ये पर यूनिट का आ जाएगा, 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20,000, ये आ जाएगा 2,40,000 पहले दूसरे और तीसरे साल, हर साल 2,40,000 लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा 1,80,000, 4, 5, 6, 7 एंड गाइस 1,20,000 लगेगा, 8, 9, 10। अब इससे इजी क्या आएगा यार एग्जाम में, मेरे को बताओ अब इससे इजी क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट डिप्लीशन मेथड, व्हाट इज डिप्लीशन मेथड, नेचुरल रिसोर्सेज पे लगाया हुआ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सेम ये भी वैसे ही है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सर ये एग्जाम में आएगा, मैं क्या ज्योतिष हूं क्या कि ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा क्या। ठीक है, सिलेबस में दिया हुआ है, आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में आएगा
छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। दिया है सिलेबस में, अपने को पढ़ना है, एंड ऑफ द डिस्कशन। आएगा या नहीं आएगा ना आपको पता है क्या एग्जाम में आने वाला है ना मेरे को पता है। आपको पता होता तो आप वही पढ़ते और मेरे को पता होता तो मैं वही पढ़ाता, ठीक है। तो अपना ना दिमाग जो है ना ठिकाने पे रखो और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। ये आएगा क्या, वो आएगा क्या, वो आएगी क्या, ये आएगी क्या, सिर्फ टाइम पास आता तुम लोगों को। पढ़ाई के नाम पे सिर्फ टाइम पास करना जानते हो तुम लोग। नेक्स्ट सर, जस्ट वांट टू नो पहले आया है क्या ऐसे। अब पहले अगर आया होगा तो जरूरी है क्या अब भी आएगा? अच्छा, और पहले अगर नहीं आया तो ये जरूरी है क्या कि अभी भी नहीं आएगा? एक चीज समझ लो, लड़कियों का और सीए एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। लड़कियों का और आईसीएआई का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये कभी भी कुछ भी करते हैं, बात को समझो जरा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइएगा, मेसर सूर्या एंड कंपनी टूक लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1117 फॉर 1 crore। एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 lakh tons, ठीक है। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड, एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन बिलो। सेम टोटल कितने का है ये क्वेरी? क्वेरी मतलब क्या है भाई? नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है, खदान जिसको हम लोग कहते हैं। तो 1 crore rupees है माइनस, ठीक है, कितना है स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू इज 0, स्क्रैप वैल्यू इज 0 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी कितना है 2 lakhs, कितना आ जाएगा पर टन? 1 crore डिवाइडेड बाय 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 2000, 2017 में 1 lakh rupees का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, 2018 में 5 lakh का लगेगा, एंड गाइस 2019 में 7.5 lakh rupees का लगेगा। अच्छा, आपको क्वेरी लीज और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अब आपको लेजर बनाना तो आता ही है, ठीक है। जैसे कि आइएगा, 2017 में खरीद लिया 1 crore का, डेप्रिसिएशन 10,000, बचे 99 lakhs, फिर 99 lakhs ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन लगा दिया सेकंड ईयर का, बचा 94, फिर 94 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 7.5, बचा 86,50,000। और दोस्तों डेप्रिसिएशन हर साल का लगा देंगे, पीएल में भेज देंगे, हर साल का लगा देंगे, पीएल में भेज देंगे। समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया क्या सभी को? मजाक बना के रखा है क्लास को, हाँ ना यार। सर सब लोग सोचते हैं आपकी आईसीआई के साथ सेटिंग है। सेटिंग है लेकिन ऐसे पब्लिक में नहीं बोलते ना। सर फिर ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले जो आप बोलते हो वही एग्जाम में आता है? वो यार वो मत पूछो यार, सब डिटेल ना मत पूछा करो यार। आस्क नो क्वेश्चन हियर, नो लाइज, ठीक है। अब आप समझदार हो यार, समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा डिटेल पहुंचाओ, पूछो मत, और मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, ये वीडियो चल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जो अच्छी खासी सेटिंग है वो पूरी सेटिंग बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो चुपचाप पढ़ो जो जो पढ़ा रहा हूं, ज्यादा प्रश्न पूछो मत। मत पूछो रे भाई, नहीं तो पास होने के आले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो दोस्तों पूरे मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यार ये पर्टिकुलर टॉपिक में। आइए अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स, ठीक है। तो दोस्तों
प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, डेप्रिशिएबल असेट जब भी बेचा जाता है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, मान लो असेट की ओपनिंग वैल्यू है 50,000 और डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है 10% का, और असेट को हमने 32,000 को बेच दिया है 1 जुलाई के दिन, तो कैसे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो दोस्तों ओपनिंग वैल्यू 50,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन लगा देंगे आप असेट पे 10% पे, ठीक है, 50,000 इंटू 10% 5,000, दोस्तों पूरे साल का डिवाइडेड बाय 2, 2,500, बचा कितना 47,500, यानी 47,500 47,500 का असेट था, आपने उसको 32,000 में बेच दिया, द लॉस विल बी 15,500। एक बार इसको चेक करना, समझ में आएगा, देखना कैसे असेट और असेट का जब भी बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। चलिए पंकज का विकेट गिरेगा, विकेट गिराने क्या पंकज तेरा, करूं क्या क्लीन बोल्ड तेरे को, अब करूं तेरे को क्लीन बोल्ड। सर एक बार रिपीट करो, अरे बेटा असेट की ओपनिंग वैल्यू है 50,000 और वो असेट को बेच दिया 1 जुलाई के दिन, ओपनिंग वैल्यू कब है 1 जनवरी, कब बेचा 6 महीने बाद, तो 6 महीने का पहले डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 10% पर एनम रेट है, 50,000 पे 10% 5,000 साल भर का, 6 महीने का डिवाइडेड बाय 2 2,500, तो 50,000 का असेट था ओपनिंग वैल्यू, 2,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, असेट की वैल्यू बेचने के पहले हो गई 47,500 की, कितने में बेचा 32,000 में बेच दिया, 15,500 का लॉस हो गया, ठीक है। ठीक है, यस सर, प्रॉफिट होता तो अमाउंट 32,000 से ज्यादा होती ना। अरे नहीं प्रतीक्षा, अमाउंट अगर 47,500 से ज्यादा होती तो प्रॉफिट होता, मान लो 50,000 में बेचा तो 47,500 का सेट 50,000 में बेचा 2,500 का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7 पर आना दोस्तों, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों इलस्ट्रेशन 7 पे जरा आना। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1st जनवरी 2018 सर्टन मशीनरी फॉर रुपीज 5,82,000 एंड स्पेंट 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ऑन 1st जुलाई 2018 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वाज अक्वायर्ड। On 1st July 2019, the machinery purchased on 1st January 2018, having become obsolete, was auctioned for ₹3,86,000. And on the same date, my fresh machinery was purchased at cost for ₹4 lakhs. Depreciation was provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on WDV. Prepare machinery account. Chicken. So, dosto. मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, कितने साल के लिए, 2 साल, 2018 एंड 2019 बनाइएगा दोस्तों, एक पेज का मशीनरी अकाउंट, इसको लिखकर करेंगे एक पेज का फॉर्मेट बना लीजिए एक पेज का मशीनरी अकाउंट। सर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्या, जी नहीं, पूरा की पूरा कैलकुलेशन यही करेंगे, इसी मशीनरी के लेजर में करेंगे दोस्तों, इसी मशीनरी के लेजर में करेंगे।
रेडी विद द फॉर्मेट एवरीवन। नाउ जब भी मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाता हूं आपको एक चीज बताता हूं, क्या? वन ईयर एट अ टाइम, वन ईयर एट अ टाइम, एक साल की बात करेंगे। पूरा एक साथ देखने जाएंगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है? वन ईयर एट अ टाइम, ऑलवेज रिमेंबर दिस गुरु मंत्र व्हाइल डूइंग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस, ठीक है? आइए लेट्स गो, रेडी विद द फॉर्मेट, ओके लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले 1 जनवरी के दिन आपने 5,82,000 का असेट खरीदा और 18,000 रुपया उसके इरेक्शन में डाल दिए। लिख देंगे मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 1/1/2018 टू कैश ऑब्लिक बैंक 5,82,000 और इंस्टॉलेशन के भी 1/1/2018 टू बैंक 18,000। लिख के करना है, लिख के करना है आपको। लिखेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। लिखो बेटा, सर आप भी लिखो ना, बेटा मैं सीए बन गया वो भी 12 साल पहले, 13 साल होने को आया बेटा, जुलाई में 13 साल हो जाएंगे। मेरे को कोई एग्जाम लिखनी नहीं है, एग्जाम तुमको लिखनी है, तुम लिखो, मैं नहीं लिखने वाला, समझे क्या? चलिए फिर उसके बाद और क्या हुआ 2018 में, 2018 में एक और असेट खरीदे 1 जुलाई के दिन 2,00,000 रुपए में, ठीक है? कर देंगे दोस्तों 1/7/2018 टू बैंक 2,00,000 रुपया। मजे सर आपके, हाँ मजे तो है ना भाई, लेकिन पढ़ाई में जो दिन रात हमने मेहनत की, पढ़ाई की, ठीक है, वो नहीं काउंट करेगा क्या? सिर्फ मजे दिखते तुमको, हमारे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के, सर के बाल सफेद हो गए। चार गर्लफ्रेंड छोड़ के गई कि यार इसके पास तो टाइम ही नहीं है बात करने के लिए। जब देखो तब पढ़ता रहता है, जब देखो तब टेस्ट सीरीज, जब देखो कभी कॉस्टिंग की बात, कभी अकाउंट्स की बात, कभी मैथ्स की बात, कभी इको की बात। चार तो छोड़ के चले गई, ये सेक्रीफाइस कोई नहीं देखता। नेक्स्ट, अब पहला साल हो गया, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ये जो आपने 6,00,000 का लिया था इस पे फुल ईयर का लगेगा। एंड गाइस ये जो 1 जुलाई के दिन खरीदा है उस पे 6 महीने का लगेगा, ठीक है? तो दोस्तों लगा लेंगे डेप्रिसिएशन, यहीं पर कैलकुलेट करेंगे। पहले मशीन पे लगेगा 6,00,000 पे 10% 60,000 और दूसरी मशीन पे 2,00,000। कौन सा मेथड है? WDV मेथड है, ठीक है? तो दोस्तों 2,00,000 पे 10% डिवाइडेड बाय 12 × 6 10,000, ये बचा कितना? 70,000। ठुकरा के मेरा प्यार, यस, कितना बैलेंस बचा? 8,00,000 8,00,000 में से 70,000 गए, 7,30,000। अब ये 7,30,000 में मशीनरी वाइज बाइफर्गेशन भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए तो पहली मशीन कितने की थी? पहली मशीन थी 6,00,000 रुपए की, उसमें से 60,000 का डेप्रिसिएशन गया, बचा 5,40,000। और दूसरा जो मशीन था मेरा वो 2,00,000 का था, वो दोस्तों उसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, बचा 1,90,000। फर्स्ट ईयर क्लियर एवरीवन? दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, ओ दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा,
बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। चलिए फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, लिख के करना है आपको दोस्तों, लिख के करना है। अब ये 7,30,000 सेकेंड ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। अब मुझे बताना सेकेंड ईयर में क्या क्या हुआ। 1 जुलाई 2019 के दिन ये जो आपने 6 लाख का मशीन खरीदा था उसको हमने 3,86,000 में ऑक्शन कर लिया। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,30,000, ठीक है। फिर उसके बाद पहली मशीन आपने बेच दी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 5,40,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 × 6, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 27,000। कैलकुलेशन ये बताया यहाँ पे, 5,40,000 पे दोस्तों 10% लगेगा कितने, 12 महीने के लिए 6 महीने के लिए कितना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसको ऑक्शन किया, कितने में ऑक्शन किया, 3,86,000 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट लिख देंगे 1/7/19 बाय बैंक 3,86,000। अब प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ ध्यान से चेक करना दोस्तों। देखिए 5,40,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 27,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया और उसमें से माइनस कर दूंगा 3,86,000 जितने में बेचा, तो ये आ गया मेरा लॉस। कितना हो गया लॉस, 1,27,000 लॉस हो गया। एंट्री क्या हो जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट लिख देंगे गाइस बाय पीएल 1,27,000। चलिए नेक्स्ट। अब क्या हुआ उस दिन, उस दिन आपने एक और असेट खरीदा 4 लाख रुपए का, लिख देंगे गाइस 1/7/19 टू बैंक अकाउंट 4 लाख। अब मेरे पास कितने असेट बचे, एक ये वाला असेट बचा है जिस पे 10% का डेप्रिसिएशन 19,000 आ जाएगा, और ये एक बचा 4 लाख उस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, साल भर का पूरा 40 आएगा, 6 महीने का 20,000, ये रहा दोस्तों 20,000, कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन 39,000, ये आ गया दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस 5,51,000। पहले एसेट का बचा 171 और दूसरा 3,80,000। चेक कर लेंगे दोस्तों, कोई डाउट है पूछेंगे। बहुत गहरा मामला है सर आपका, तो आप क्या ही बताएं। उसकी याद आ गई सर, यस। अब और पढ़ूंगी, गुड। अरे अमन सर आप ऑलराउंडर हो, क्या करें यार, बनना पड़ता। चलिए डन, किसी को कोई शक हो तो बताइएगा। अरे सर मुझे पहचाना, हाओ ऋतिक रोशन है ना तू, तेरे को कैसे नहीं पहचानेंगे, हाँ मेरे ऋतिक रोशन पहचाना तेरे को। थ्री लाख 86,000 वाले, अरे बेटा ये क्वेश्चन में दिया है कि 3,86,000 में बेचा है, अरे येड़े ये क्वेश्चन में दिया है ना कि 3,86,000 में बेचा है, उसका कैलकुलेशन बताओ। बोले जाता तेरा विकेट गिरने वाला है पंकज अभी। सर जी एक क्वेश्चन है, मेरा बीकॉम का एग्जाम है और सीए का लॉ का पेपर सेम डेट पे, तो कौन सा एग्जाम दो। ऑफ कोर्स बीकॉम देना चाहिए, पागल हो क्या, अब कौन सा एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं समझता क्या आपको, कहां सीए का एग्जाम, कहां बीकॉम का एग्जाम, बीकॉम ये भी कोई प्रश्न है, ये भी कोई प्रश्न है, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो कि कौन सा एग्जाम देना है, बिल्कुल बीकॉम देना है। अरे सीए तो कोई भी बनता,
या आपके स्क्रीन पे जो बंदा दिख रहा वो भी सीए बन गया लेकिन वो बीकॉम नहीं कर पाया। अरे मेरे पास एलएलबी की डिग्री आ गई, सीएस बन गया, सीए बन गया, डीसा बन गया, डीआईआरएम हो गया लेकिन बीकॉम नहीं हो पाया मुझसे। इसका अफसोस आज भी है मुझे कि काश मैं बीकॉम किया होता, लेकिन दोस्तों मेरे से बीकॉम हुआ ही नहीं, इतना डिफिकल्ट है। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे स्टूडेंट्स भी ना कर पाए, नहीं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बीकॉम क्लियर करें। खबरदार जो तुमने सीए की एग्जाम दी बीकॉम के कंपैरिजन में, ठीक है। बीकॉम इज इंपॉर्टेंट, 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब भी स्क्रैच से कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते बेटा, 15 दिन में भी पास हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन मत रखना बस। ऐसे गलत लोगों को उसने भी प्रायोरिटी बना लेती, यही 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 तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। हार्दिक पांड्या ने भी वैसे ही किया। अरे देसी लड़की है, देसी लड़की पे भरोसा करो, तुम विदेशी लड़की पे भरोसा करते हो, बैंड तो बजेगी ना। क्या ही बताए यार। नेक्स्ट, सर जी को आज तक घर, अरे भाई एक दिन तो घर से निकाल दिया, ये दुनिया भर की डिग्री ले ली तूने, बीकॉम कहाँ है, निकल जा हमारे घर से। घर से निकाल दिया था भाई, बीकॉम नहीं किया था, इसलिए आप ये गलती करना मत, बीकॉम की एग्जाम दो। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपनी अकाउंट्स को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं क्या? क्यों छोड़ना है बेटा, पहले पढ़ तो लो यार, पढ़ने के पहले छोड़ देते, पढ़ो पहले, डिफिकल्ट है या इजी है वो देखो। रोज सेशन लेके आ रहा हूं, अरे ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं क्लास में ये भी कर लेंगे तो इसी में से पेपर आने वाला है रे, इसी में से पूरा पेपर आएगा रे, इसी में से आएगा। अब रोज चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोलता हूँ कि ये कर लो रे, कर लो, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मिडनाइट रीडिंग सीरीज, रात में 10 से 12 एक बजे तक पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस करके तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर में, तुम्हारे एमआरएस के चक्कर में 4 को ब्लॉक किया हूं कि भाई टाइम नहीं दे पाऊंगा रात में, और तुम कह रहे हैं ये ऑप्शन में छोड़ दू, वो ऑप्शन में छोड़ दू। मैंने ऑप्शन में छोड़ा है क्या कुछ? मैंने बोला है क्या कि यार ये टॉपिक मैं नहीं लूंगा, वो टॉपिक मैं नहीं लूंगा? मैं तो सब ले रहा हूं ना, फिर आपको क्यों ऑप्शन में छोड़ना है? बैगन कहीं के चलिए नेक्स्ट। तो भाई क्या करना है? बीकॉम का एग्जाम देना है। नेक्स्ट, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आ जाइएगा तो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो अभी तक WDV मेथड कर रहे थे, अब दिमाग में आया नहीं SLM करना है सर, बहुत कर लिया ये WDV, अब मेरे को SLM फॉलो करना है, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्रोविजंस होंगे, क्या लॉ है, आइए चेक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक। द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन असेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट द फाइनेंशियल ईयर एंड, एंड इफ देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एम्बॉडीड इन द असेट द मेथड शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द चेंज पैटर्न व्हेनेवर एनी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज मेड सच चेंज इन द मेथड इज ट्रीटेड एज अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इट्स अफेक्ट्स नीड्स टू बी क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज सेपरेटली अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट मे अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली और बोथ द करंट एंड फ्यूचर पीरियड। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा, अब जो अब पढ़ाऊंगा वो याद रखना, ध्यान रख दीजिएगा दोस्तों। मशीन की कॉस्ट थी 10,50,000,
उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 50,000 और उसकी लाइफ है दोस्तों 10 साल। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड देयर आफ्टर डिसाइड्स टू अडॉप्ट रिडंडेंट वैल्यू मेथड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 25%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। मुझे बताना दोस्तों पहले 2 साल कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? पहले 2 साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,50,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, कितना आ गया? 1,00,000। मतलब पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? टोटल 2,00,000 रुपया। मतलब असेट की वैल्यू कितनी बची? 10,50,000 की कॉस्ट थी, उसमें से 2,00,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब 2 साल के बाद असेट की वैल्यू हो गई 8,50,000। अब ये 8,50,000 पे दोस्तों कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 25%। ठीक है, लगा दो दोस्तों 8,50,000 × 25%, 2,12,500 तीसरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। समझ में आया क्या? और वही अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो 1,00,000 रुपया लगता। WDV में चेंज कर दिया, 2,12,500 लगेगा। Did you get that everyone? चलिए नेक्स्ट, किसी को कोई शक? ओके सर चैट ऑफ कर दो, ये बच्चे सीरियस नहीं है। ये बात बोली यार बेटा तुमने, ये बात तो सही है एकदम। तो रोहित भैया गए, ओके रोहित भैया गए। बाय बेटा, आज का तीसरा विकेट, हैट्रिक हो गई बेटा आज। मशीनरी अकाउंट में कैसे लिखेंगे? सिंपल, जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अभी विशाल आएगा, विशाल को तो तू ही निपट ले यार शमीम, विशाल को तो तू ही लपेट लेगा बेटा आराम से। तेरे कल के सदमे से आज तक बाहर नहीं निकलूंगा। यस, मेसर्स अंशुल एंड कंपनी, वाह आ गया अपने दोस्त का नाम। मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st January 2015 व्हेन दे परचेज द प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर ₹7,00,000। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis. And over the years, their purchase of plant have been 1,16,50,000 rupees, and 1,19,20,000 rupees. तो दोस्तों इन्होंने तीन अलग अलग डेट पर खरीदे हैं। 1,15 ₹7,00,000 खरीदा, ठीक है, 1,16 1,50,000 खरीदा, एंड 1,19 2,00,000 खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन 1,19 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड एज 6 ईयर्स फॉर ऑल द असेट परचेज बिफोर 1,19। मतलब इसकी 6 ईयर्स लाइफ, इसकी भी 6 ईयर्स लाइफ, एंड ये जो 1,119 को खरीदा है उसकी लाइफ हो गई 10 ईयर्स। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2019। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुझे 2019 का ओपनिंग बैलेंस निकालना है तीनों भी असेट का। इसका तो ऑलरेडी खरीदा ही 2019 में है, तो इसका तो 2,00,000 रुपया ही आएगा।
दोस्तों इसका ओपनिंग बैलेंस और इसका ओपनिंग बैलेंस निकाल लेना है 1/1/19 के दिन। पहले कौन सा मेथड था? पहले दोस्तों WDV मेथड था। किस रेट पर डेप्रिसिएशन आता था? 15% पर आता था। तो दोस्तों ये जो असेट खरीदा है 7 लाख, उसका आज का वैल्यू 1/1/19 का वैल्यू निकालना कितना आएगा? छपरी स्पॉटेड गाइस, अंजलि सिस्टर, नहीं सिस्टर बोला यार, सॉरी, छपरी नॉट स्पॉटेड गाइस, अंजलि सिस्टर बोला उसने, दीदी बोला, सिस्टर बोला, नो छपरी, गुड बच्चा, अच्छा बच्चा। भाई है सर, हाँ ना बेटा, देखा ना मैंने, देख लिया ना बेटा, मेरे को इसका वैल्यू निकाल के बताओ। 7 लाख की जो असेट हमने 1/1/2015 के दिन खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। 7 लाख माइनस 2015 का डेप्रिसिएशन 15%, फिर माइनस 15% 2016 का, माइनस 15% 2017 का, और माइनस 15% 2018 का, ठीक है। आइएगा दोस्तों निकालते हैं वर्किंग नोट। दोस्तों 7 लाख माइनस 15% 2016 का, 2015 का, ये 15 का, ये 16 का, ये 17 का और ये 18 का। तो 7 लाख माइनस 15% माइनस 15% माइनस 15% माइनस 15% 365,404, यानी पहले मशीन की वैल्यू कितनी आई? 365,404, और दूसरी की कितनी आएगी? 1.5 लाख में खरीदा था 1/1/2016 के दिन। तो दोस्तों ये खरीदा 1.5 लाख, ये आ गया 2016 का डेप्रिसिएशन, 17 का डेप्रिसिएशन, 18 का डेप्रिसिएशन। 1.5 लाख माइनस 15% माइनस 15% माइनस 15% 92,119। गुड नाइट सर जी, आपका पुराना स्टूडेंट हूँ मैं, बस मिलने आया था। ठीक है बेटा, आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें, ला 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 ला। ठीक है, अब मेरे पास 3 असेट है, एक जिसकी वैल्यू इतनी है, दूसरी इसकी वैल्यू इतनी है, और तीसरी जिसकी वैल्यू इतनी है 2 लाख। अब पहले के जो 2 असेट है दोस्तों, उसकी लाइफ कितनी है? 6-6 साल। तो दोस्तों लिख देंगे असेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पहला असेट, ये दूसरा असेट, ठीक है। और नया असेट कितने का खरीदा? 2 लाख रुपए का। अब तीनों असेट पे डेप्रिसिएशन, तो ये डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, ये डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, और ये डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, ये आ गया तीनों का डेप। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, ये आ गया तीनों का डेप्रिसिएशन। क्लोज कर देंगे असेट, ये आ गया क्लोजिंग वैल्यू। समझ में आया क्या? सक्षम जुनेजा, G2 में मिलते हैं, मिलेंगे बेटा मिलेंगे। सर गाने से पहले बता दो, डर जाता हूं। गया बेटा तू। तो दोस्तों हैट्रिक पर मुझे बधाई दीजिएगा दोस्तों मुझे।
तुषार बन रहा था डेढ़ हुशार, गया बेटा घर को। तीसरा विकेट है क्या, चौथा है आज का, तीसरा है शायद ना। समझ में आया क्या सभी को ये चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, समझ में आया क्या? किसी को कोई शक हो तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। सर को पर्पल कैप गिफ्ट करूंगा एग्जाम के बाद, वाह मेरे शेर। आयुष सर रिपीट प्लीज, क्या रिपीट करूं, पूरा रिपीट करूं भाई? कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो बता, पूरा रिपीट करने में तो फिर रह गया, फिर तो मैराथन रह गया, फिर तो रिवीजन। चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन। चल एक बार बताता हूं डेप्रिसिएशन। देख अपने को ना असेट कब खरीदा था, एक एक 15 के दिन, कितने में, 7 लाख। और आज हम कहां खड़े हैं, आज हम खड़े हैं 1119। अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, 15% WDV। अब आज के बाद क्या करना है, हमको SLM लगाना है। तो मेरे को आज की वैल्यू असेट की निकालनी पड़ेगी। मैंने आज की वैल्यू असेट की निकाल ली, ये 7 लाख में खरीदा था, फिर ये 2015 का डेप्रिसिएशन, ये 16 का -15%, 17 का -15%, 18 का -15%। डायरेक्ट कैलसी पे भी वैसे ही करना, 7 लाख -15%, 1 साल -15%, 2 साल -15%, 3 साल -15%, 4 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जब मैं असेट खरीदता हूं, मैं असेट की लाइफ प्रिडिक्ट करता हूं, एस्टिमेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 10 लाख रुपए की असेट खरीदी और उसकी स्क्रैप वैल्यू दोस्तों 0 है, और उसकी लाइफ मैंने प्रिडिक्ट की थी 10 इयर्स, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख। मैंने पहले साल 1 लाख लगा दिया, मैंने दूसरे साल 1 लाख लगा दिया, मैंने तीसरे साल 1 लाख लगा दिया, मैंने चौथे साल 1 लाख लगा दिया। अब कितनी लाइफ बची है, 6 साल। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि यार ये असेट 6 साल नहीं चलेगा, केवल 3 साल ही चलेगा। तो ये देखना है कि टोटल कितने का असेट था, 10 लाख, उसमें से आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 4 लाख, कितना लगाना बाकी था, 6 लाख। अब लाइफ कितनी बची है, अब लाइफ केवल 3 साल बची है, तो 5, 6 और 7 दोस्तों 6 लाख को 3 साल में डिवाइड कर देंगे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। सर ऐसी लाइफ कितनी बार रिवाइज हो सकती है, कितनी भी बार रिवाइज हो सकती है, जब तक असेट की लाइफ खत्म नहीं होती, ठीक है। उसको आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जितना बचा हुआ डेप्रिसिएशन है उतना रिमेनिंग लाइफ में चार्ज हो जाएगा जब भी असेट की लाइफ चेंज होगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर। अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस अज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ। जिसने भी बात की चैट बॉक्स में सबको गायब कर दूंगा। अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस अज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ एंड नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 इयर्स। द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द आफ्टर 3rd ईयर वर रीअसेस्ड एट 5 इयर्स। क्वेश्चन को समझना, 6 लाख में एक असेट खरीदा था, स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ उसकी 10 साल थी, हर साल 60,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा था, ठीक है। पहले साल 60,000 लगा दिया, दूसरे साल 60,000 लगा दिया, तीसरे साल भी 60,000 लगा दिया। वैसे तो आपके ओरिजिनल एस्टिमेशन के हिसाब से 7 साल बाकी होने चाहिए थे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लाइफ अब केवल 5 साल बची, मतलब
टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगाना था आपको, 6 लाख रुपया, उसमें से आपने कितना लगा दिया पहले 3 साल में, 1,80,000 रुपया, कितना बचा ये 4,20,000 रुपया। अब लाइफ कितनी बची, अब लाइफ केवल 5 साल बची दोस्तों, 4,20,000 / 4 84,000, केवल 84,000 रुपीज पर ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यस, शॉर्ट में बताता हूं दोस्तों, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, जब भी एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, और जब भी एसेट की वैल्यू डाउन होगी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। किसी को कोई शक? सर मेरे 90+ आने पर आपको क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट नहीं देना है तो सीधे सीधे बोलना, ऐसे कुछ भी लिख मत ना, नहीं देना है मत दे गिफ्ट। ये क्या है सर, मेरे को 95+ आएंगे तो आप क्या गिफ्ट लेंगे? ते को भी मालूम है क्या होने वाला और मेरे को भी मालूम है, नहीं देना है मत दे। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आया क्या? अब बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यू बढ़ी तो ये एंट्री होगी। अब मान लो पहली बार आपने वैल्यू बढ़ाई तो ये एंट्री मार दी, अब उसी एसेट की बाद में वैल्यू गिरा दी तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, जब तक रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म नहीं होता। अगर खत्म हो गया उसका बैलेंस तो उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। इज दैट फाइन एवरीवन? इज दैट फाइन एवरीवन? सर एक रेंज रोवर मांग लो। अरे ये जो मार्क्स उसने लिखा है उसके रेंज से बहुत दूर है, और तू बोल रहा है कि रेंज रोवर मांग लो, ये मार्क्स उसके रेंज के बहुत बाहर है और ये रेंज रोवर मेरे को मिलने से बहुत दूर है। अब यही सेम असेट पहले मान लो डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, अब सेकेंड टाइम उसी असेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब तक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस खत्म नहीं होता, और खत्म हो गया और उसके बाद भी अपने को असेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ रही है तो लिख देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या? आइएगा चेक करते हैं। ये एंट्रीज एक बार एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार बेटा, ठीक है? टाइम लगेगा वरना क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं। अ मशीन इज कॉस्टिंग मशीन कॉस्टिंग रुपीज 12 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस अज्यूमिंग 10 years ऑफ वर्किंग लाइफ एंड 0 residual वैल्यू फॉर 3 years। At the end of the third year, the machine was revalued by 60,000 and the remaining useful life was reassessed at 9 years. ठीक है? तो जब asset खरीदा था कितने का था? 12 लाख।
समझाता हूँ प्रतीक्षण, 12 लाख माइनस जीरो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 इयर्स कितना हो गया, ये 1,20,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। नाउ तीसरे साल के बाद असेट को रीवैल्यू कर दिया, 60,000 से बढ़ा दिया, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000, सेकेंड ईयर का 1,20,000, थर्ड ईयर का 1,20,000, कुल मिलाकर कितना लगा दिया, 3,60,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब 12 लाख की असेट थी, उसमें से 3,60,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितना बचा, 8,40,000 रुपए बचे। उसमें अब 60,000 का वैल्यू और बढ़ाना है, ठीक है, ये मिल गया 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज वैल्यू हो गई और उसकी यूजफुल लाइफ हो गई 9 इयर्स, 1,00,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, 1,00,000 रुपया हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। सर के रोस्ट का रिप्लाई मिल जाता है तो सर शायद देखते ही नहीं है, अब तू रिप्लाई करेगा मेरे रोस्ट का, अच्छे अच्छे थक गए रे, और तू रिप्लाई करेगा, और ए बैगन, ए विनोद, सर इसे लिखेंगे कैसे, हारे बेटा मोहम्मद कैफ, सर कभी कभी परेशान हो जाते होंगे सेम जोक शॉर्ट चैट में देख कर, हाँ ना, बच्चे भी आजकल ऐसे एक लाइन लिखते और फिर बोलते मैंने सर के रोस्ट का रिप्लाई दे दिया, अरे बैगन कहाँ मेरा रोस्ट, कहाँ तेरा रिप्लाई, कहाँ मैं, कहाँ तेरा कमेंट, कंपेयर भी कैसे करते यार, देख रहे मोहम्मद कैफ, ए मोहम्मद कैफ कैसे प्रेजेंट करना है देख बेटा। सर फिफ्थ का बोला होता तो 2 लाख आता, मतलब लॉविश समझा नहीं बेटा, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, अभी तू कुछ बोलेगा तो विवाद नहीं होगा बेटा, तू ब्लॉक होगा, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद होगा, नहीं बेटा अभी कुछ तू बोलेगा तो ब्लॉक होगा, देख ले मोहम्मद कैफ। जैसे फोर्थ का 1 लाख तो फिफ्थ का 2 लाख्स, नहीं तो फिफ्थ का भी उतना ही आएगा ना, फिफ्थ सिक्स सेवन, अब वहां से 1,00,000 आएगा हर साल का, ओए राजा। आएगा प्रतीक्षा, बोला ना क्वेश्चन आ रहा बेटा, उसके बाद का एक क्वेश्चन है अपने पास, जरा शांति शांति जरा, चलो ये वाला करो खुद से, जल्दी जल्दी करो खुद से, आंसर दो इसका, बहुत इजी है, बहुत इजी है, जल्दी आंसर दो खुद से। ला 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 ला। सर ये यही विनोद है जो कल धमकी देकर गया था कि मैं कल से स्क्रैच में स्टार्ट करके स्कोर करूंगा, अच्छा वो यही है क्या विनोद, विनोद का मतलब पता है क्या बच्चों आपको, क्या है विनोद का मतलब, होता है कॉमेडी, अब जिसके नाम में कॉमेडी है दोस्तों तो उसके कमेंट में भी कॉमेडी रहेंगी, उसके रोस्टिंग में भी कॉमेडी रहेंगी, उसके रिप्लाई में भी कॉमेडी रहेंगी। चलिए जल्दी सॉल्व करो, मेरे को आंसर दो इसका, मेरे को आंसर दो, मेरा विकेट कभी नहीं गिरेगा क्योंकि मैं क्रिकेट ही नहीं खेलता, अरे रे 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 रे। भाई साहब
नाम में क्या रखा है गाइस, नाम में ही सब कुछ रखा है, विनोद। इसका आंसर दो जल्दी। देखो भाई 20 लाख की असेट थी, 20 लाख की असेट थी, 10 साल इसकी स्क्रैप वैल्यू जीरो है, लाइफ इसकी 10 साल है, हर साल 2 लाख की डिप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है, और 4 साल तक 8 लाख डिप्रिसिएशन लगा, उसके बाद 80,000 से वैल्यू आपने बढ़ा दी। दोस्तों 20 लाख रुपया असेट की वैल्यू, उसमें से 8 लाख रुपया डिप्रिसिएशन लग गया, बचा 12 लाख रुपया, उसमें 80,000 और जोड़ देंगे, वो हो गया 12,80,000, और लाइफ कितनी बची, लाइफ बची 8 years, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 इज द आंसर। दूसरी आईडी नहीं, मैं हैमस्टर गेमिंग यू। अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा बेटा, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं। चलिए क्लियर एवरीवन। यस प्रतीक्षा, आप ध्यान देंगे एक क्वेश्चन पे, जो आपको चाहिए वो इस क्वेश्चन में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जिसको भी थोड़ा रिवैल्यूएशन में दिक्कत है, ये क्वेश्चन देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन में समझ जाएगा सब कुछ, ध्यान से पढ़ना इसको। अमेजिंग गुरु हैड अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब असेट, विद अ बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख ऑन 31st December 2019। द बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन द डेट वॉज 3 लाख। मतलब पहले कभी तो भी फ्यूचर में ये एसेट को रिवैल्यू करे होंगे अपवर्ड, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया 3 लाख रुपया। रिवैल्यूएशन सरप्लस में पैसा कब जाता है, जब आप एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करते हो, एसेट की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है। As a part of their practice of revaluing the assets on yearly basis, another revaluation was carried out on 31st December 19. Evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st December was 37 lakh, 33 lakhs, 31 lakhs. Also give journal entries. तीन बार क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सर कब तक चलेगा सेशन, एक और घंटा चलेगा दोस्तों, अभी बहुत मेन क्वेश्चन करने बाकी, सारे मेन क्वेश्चन बाकी है, अभी एक और घंटा चलेगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, एक और घंटा चलेगा, आई होप प्रॉब्लम नहीं है किसी को कुछ। भूख लगी है, तुम्हारा रोज का प्रॉब्लम है क्या यार अर्पिता, भूख लगी है, प्यास लगी है, खाना खा के आना ना यार, रोज के लफड़े तुम्हारे ये। पढ़ लिए क्या क्वेश्चन ना दोस्तों? रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख का बैलेंस है, वो ये दर्शाता है कि पहले असेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया गया था पास्ट में, ठीक है। चलिए तो पहले केस में 35 लाख वैल्यू एसेट की, उसको 37 लाख बनाना है, वैल्यू बढ़ाना है, एंट्री क्या हो जाएगी,
सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पीपीई, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, ठीक है, 2 लाख, 2 लाख। सेकेंड 35 लाख वैल्यू थी, 33 लाख हो गई, वैल्यू कम हो गई, लेकिन पहले वैल्यू बड़ी थी, 3 लाख रुपया दिख रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो अब जब तक ये रिवैल्यूएशन खत्म नहीं होता, रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे। हाँ, जब ये 3 लाख का बैलेंस खत्म हो जाएगा, जब पीएल डेबिट होगा, ठीक है। दूसरी एंट्री, असेट की वैल्यू गिरानी है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू पीपीई अकाउंट 2 लाख। और दोस्तों तीसरा, 35 लाख की वैल्यू है, 31 लाख करना है, 4 लाख रुपया रिड्यूस करना है, जिसमें से 3 लाख रुपया रिवैल्यूएशन सरप्लस से जाएगा और 1 लाख रुपया कहां से जाएगा, पीएल से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख देंगे दोस्तों, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 4 लाख। एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बताना, प्रतीक्षा चेक करना, समझ में आएगा बेटा। Yes, किसी को कोई डाउट? समझ में आया ना अमन? अरे बेटा, पहले असेट की वैल्यू बढ़ाए थे, अब कम कर रहे हैं, तो जब कोई असेट की वैल्यू पहले बढ़ाए थे और बाद में कम करे, तो जितना पहले बढ़ाए थे उतना पहले कम करना, उतना पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना। ये भी अगर खत्म हो गया तो फिर पीएल को डालना, ठीक है। पक्का ना प्रतीक्षा? चलिए आगे बढ़ते अमन। अब तीसरे केस में क्या हुआ, 4 लाख रुपया वैल्यू कम हुआ, ठीक है। तीनों अलग अलग केस है कृष्णा ये। अरे बेटा, ये तीनों अलग अलग सिचुएशन है मेरे दोस्त, तीनों अलग अलग सिचुएशन है मेरे भाई। ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, तीनों क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, ओ राजा, चलिए एक बार ये तीनों एंट्रीज चेक कर लेंगे, कोई डाउट है पूछेंगे। सर कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन? अब डिटेल में जाना पड़ेगा भाई, अब डिटेल में जाना पड़ेगा। चलिए अब एग्जांपल लेके 5-10 मिनट लगेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। चेक, मान लो असेट की वैल्यू है 5 लाख रुपया, ठीक है। मैं इसको अपवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं, अपवर्ड रिवैल्यू करना है 3 लाख रुपया। एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये, 8 लाख रुपया वैल्यू हो गई। अब मान लो 10 साल लाइफ बची है, ठीक है,
फिर से रिपीट करता हूँ, 5 लाख वैल्यू थी, 3 लाख रुपया बढ़ा दिया, जैसे मैंने बढ़ाया ये एंट्री मार दी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। बढ़ाने के बाद 10 साल लाइफ हो गई, ठीक है, 80,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 7,20,000 हो गया, ठीक है। फिर 9 ईयर्स की लाइफ मेरी बची है, 80,000 और डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7,20,000 माइनस 80,000 6,40,000 दोस्तों असेट की वैल्यू हो गई। अब अलग अलग सिचुएशन लेता हूं, अब मेरे को फिर से असेट रिवैल्यू करना है, रिवैल्यूड अमाउंट या तो मान लो दोस्तों 5 लाख होगी, मतलब 5 लाख से 6,40,000 से मेरे को 5 लाख लेकर आनी है। दूसरा ऑप्शन तीन लाख 40,000 लानी है, तीसरा ऑप्शन 2 लाख लानी है। क्या होगा चेक, कितना कम करना है 6,40,000 से 5 लाख जाने के लिए, 1,40,000 कम करना है। एंट्री, सर जब भी वैल्यू कम करते तो पीएल को डेबिट करते, हां लेकिन अगर वो पहली बार डाउनवर्ड किया तो होता है, यहां पर ये पहली बार है क्या, नहीं ये आपने पहली बार अपवर्ड किया था, तो जब तक ये 3 लाख का बैलेंस खत्म नहीं होता डाउनवर्ड करते करते पीएल को आप बीच में नहीं लेकर आएंगे। तो दोस्तों 1,40,000 ही कम करना है, एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 1,40,000। सेकेंड, इसमें 6,40,000 से 3,40,000 पे आना है, मतलब 3 लाख कम करना है, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है दोस्तों, इसमें भी सेम रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया टू असेट अकाउंट 3 लाख रुपया। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना वैल्यू कम करना है, 4,40,000, उसमें से 3 लाख रिवैल्यूएशन सरप्लस से कम होगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस तो खत्म हो गया, अब क्या होगा 1,40,000 पीएल से यूज करोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000, ठीक है, एंड गाइस टू असेट अकाउंट 4,40,000। समझ में आया क्या अनुराधा, डिड यू गेट दैट, डिड यू गेट दैट? सिचुएशन रिवर्स कर देते हैं, यहां पे अपवर्ड रिवैल्यू करे थे, अब डाउनवर्ड रिवैल्यू का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड रिवैल्यू का भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, चेक करना, मान लो असेट की वैल्यू है 5 लाख रुपया, ठीक है, डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं 3 लाख रुपए से, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बाय रुपीज 3 लाख, एंट्री क्या हो जाएंगी, पहली बार है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 3 लाख। अब कितनी हो जाएंगी असेट की वैल्यू, 5 लाख माइनस 3 लाख, कितनी बचेगी 2 लाख। मान लो दोस्तों 4 साल की लाइफ बची है तो डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू हो जाएंगी 1.5 लाख, फिर हो जाएगी 1 लाख, फिर हो जाएगी 50,000। अब जब 50,000 की वैल्यू थी दोस्तों, तब अब इनको अपवर्ड रिवैल्यू करना है, अब आएगा रिवैल्यूड अमाउंट, अलग अलग ऑप्शन लेता हूं। मान लो दोस्तों 2 लाख रिवैल्यू करना है,
मान लो दोस्तों 3,50,000 रिवैल्यू करना है या दोस्तों 5,00,000 रिवैल्यू करना है, तीनों भी सिचुएशन में क्या एंट्री हो जाएगी। पहले केस में 50,000 से 2,00,000 जाना है, कितना करना है 1,50,000 बढ़ाना है, ऑलरेडी आपके पास पीएल में बैलेंस है 3,00,000 रुपए का, ठीक है। तो जब तक पीएल खत्म नहीं होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे आप, पीएल ही यूज करेंगे। पहले केस में एंट्री हो जाएगी असेट टू असेट अकाउंट डेबिट 2,00,000 टू पीएल अकाउंट 2,00,000। नेक्स्ट दूसरे केस में 50 से 3,50 करना है, ऑलरेडी आपके पास 3,00,000 रुपया पीएल में, तो ये भी एंट्री हो जाएंगी असेट अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,00,000। अब 5,00,000 बढ़ रहा है दोस्तों, मतलब 4,50,000 आपको बढ़ाने हैं, जिसमें से 3,00,000 रुपया ऑलरेडी पीएल में बैलेंस है। एंट्री क्या हो जाएंगी असेट अकाउंट डेबिट 4,50,000 रुपए से बढ़ाना है, जिसमें से पीएल में ऑलरेडी बैलेंस था जब आपने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था 3,00,000, उसके ऊपर भी अगर और रिवैल्यू करना है अपवर्ड, तो अब यूज करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। आई होप यू गॉट दिस। बहुत डिटेल में बता दिया अब, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19,00,000 ऑन 1st January 2019। इट्स अकाउंट्स वेर मेड अप ऑन 31st December ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑन 1st June 2019 a new machinery was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine works out to ₹8,920. On 1st June 2019, a machine which had a cost of 4,37,400 on 1st January 17 was sold for 75,000. Another machine which had a cost of 4,37,000 on 1/1/18 was scrapped on the same date and it realized nothing. Write a plant and machinery account for the year 2019 allowing the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple of a rupee. Dosto, I want every one of you to read this question thrice. 3 baar question padhenge. तीन बार क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज। चलिए नाउ, ऐसे ही एक बड़ा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जहां पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग है या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट की जो वर्किंग है वो असेट में ही हमने की थी, वो असेट अकाउंट में ही हम लोगों ने की थी। सर ये समझ में नहीं आता हम लोगों को कि वर्किंग नोट कब बनाएं और असेट में ही अकाउंट में ही कैलकुलेशन कब करें। ध्यान से सुनना, उसकी ट्रिक बता रहा हूं ना दोस्तों। जब भी मेरे क्वेश्चन में प्रीवियस का इयर्स का रेफरेंस आता है जो मेरे को बनाने के लिए नहीं बोला है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर बनाने के लिए क्या बोला है 2019 का लेजर,
और मेरे पास असेट खरीदी हुई कब की है, 2017 की खरीदी हुई है, ठीक है, 2018 की खरीदी हुई है, ठीक है। तो मुझे बनाना 2019 का है, लेकिन मेरे पास असेट जो है वो पहले के है, मेरे पास डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 जनवरी का। तो दोस्तों इस केस में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हर एक असेट का कि उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे 17 और 18 की डिटेल है। अगर आप ये यहाँ पर बोलते कि भाई 2017 का भी अकाउंट बनाएं, 18 का भी बनाएं और 2019 का भी बनाएं, तो दोस्तों कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं होती। जो भी कैलकुलेशन होता, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता, जो भी डेप्रिसिएशन करना होता, वो सारे के सारे कैलकुलेशन हम लेजर में ही बताते, अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाते। अब चूंकि इस क्वेश्चन में पिछले साल के कई साल के रेफरेंसेज हैं और मुझे बनाने के लिए बोला है 2019, मुझे वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर कि कब वर्किंग नोट बनाए और कब नहीं। चलिए नेक्स्ट आइएगा दोस्तों, करते अकाउंटिंग शुरू। मशीनरी अकाउंट बना लेंगे सभी लोग, बनाएंगे मशीनरी अकाउंट एक पेज के लिए, द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 19। लिख देंगे दोस्तों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 लाख रुपीज, इट्स अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31st डिसंबर ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। On 1st June 2019, a new machine was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges in erecting the machine works out to ₹8,920 on the same date, 5 महीने बाद 1st June, ठीक है। कर देंगे दोस्तों एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,88,920, अलग अलग बताना पड़ेगा। यह आ गया बेसिक कॉस्ट और यह आ गया उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है नेक्स्ट। अब उसके बाद 1 जून 2019 को आपने एक मशीन बेची जिसकी कॉस्ट 4,37,400 थी 1/1/17 के दिन 75,000 में। तो दोस्तों जब से ये असेट खरीदा था 1/1/17 से आज तक की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। रेट क्या था, 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस। तो दोस्तों वर्किंग नोट 1 बन जाएगा, ascertainment of profit or loss on sale of machinery 1, ठीक है। cost क्या है, 437,400, कब की cost है, 1 जनवरी 2017, ठीक है। आइएगा दोस्तों चेक करते हैं, ये वर्किंग नोट चेक करेंगे। 1/1/17 के दिन cost 437,400, फिर 2017 का depreciation 10% WDV है, यह आ गया first year का depreciation, फिर WDV on 1/1/18 या वैल्यू आ गई ए माइनस बी, ये डेप्रिसिएशन फॉर 2018 10% पे, फिर आ गया डब्ल्यू डी बी एज ऑन 1/1/19 या आ जाएगा सी माइनस डी, ठीक है। फिर 2019 में कितने महीने यूज कर रहा हूं, 1 जून को बेच दिया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 5 महीने यूज किया, 5 महीने का डेप्रिसिएशन 3,54,294 into 10% divided by 12 into 5 14,762। मतलब असेट बेचने के पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 3,39,532
कितने में बेचा? 75,000। कितना लॉस हो गया? 2,64,532। प्लीज चेक दिस वर्किंग नोट, समझ में आया क्या? प्लीज चेक दिस वर्किंग नोट, समझ में आया क्या? ठीक है, नाउ अकाउंटिंग कर लेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड 14,762 कहां से आया? अभी तो निकाला। फिर बाय बैंक अकाउंट 75,000 में बेचा और कितना लॉस हो गया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,64,532। मशीनरी वन का कैलकुलेशन क्लियर है? मशीनरी वन का कैलकुलेशन क्लियर है? सेम विथ मशीनरी टू। नाउ एक और मशीन जिसका कॉस्ट 4,37,000 था ऑन 1/1/18, 1 जनवरी 2018 के दिन 4,37,000 का बैलेंस था दोस्तों, उसको स्क्रैप कर दिया और उसमें एक भी रुपया आपको मिला नहीं। ठीक है, चलिए चेक सेकंड असेट का वर्किंग चेक कर लीजिएगा। एक एक अट्रा की कॉस्ट 10% डेप्रिसिएशन, WDV एज ऑन 1/1/19 ए माइनस बी, फिर उस पर 5 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है, बिफोर सेल बिफोर स्क्रैपिंग उसकी वैल्यू कितनी थी? 3,76,912। कितने में बिका? जीरो, एक भी रुपया मिला नहीं, पूरा की पूरा लॉस हो गया। ठीक है, सेकेंड असेट का एंट्रीज डेप्रिसिएशन की एंट्रीज 16,388 कहां से आया? ये रहा 5 महीने का डेप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया आपका लॉस। ठीक है, अब दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। अब ओपनिंग वैल्यू जो थी वो 19 लाख थी, वो मशीनरी वन की कितनी वैल्यू थी? वर्किंग नोट वन से मशीनरी वन की वैल्यू मिलेगी, वर्किंग नोट टू से मशीनरी टू की वैल्यू मिलेगी, और दोस्तों बचा हुआ कितना होगा? 11,52,406 बैलेंसिंग फिगर। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? एक असेट है 11,52,406 और एक असेट है 2,88,920। ये 11,52,406 पे पूरा 10% लगेगा साल भर का, और ये 2,88,920 पे 7 महीने का लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी जून भी लगेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स। ठीक है, लिख देंगे गाइस। तो 11,52,406 पे 11,52,410, क्योंकि इन रुपीज लेना है, इन राउंडिंग ऑफ लेना है, और दोस्तों 2,88,920 × 10% / 12 × 7 16,854 रुपया, ये उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। क्लोज करेंगे, ये आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, चेक करना दोस्तों। सर एक बार रिपीट करना, क्या रिपीट करना है? इजी तो है, चेक कर, क्या समझ में नहीं आया बता? लिखे क्या सबने? सबने लिखना है इसको। वर्किंग नोट भी चेक करना, कोई डाउट है पूछना। कितनी देर और चलेगी? आधे एक घंटा चलेगा यार। और चलिएगा नेक्स्ट।
नाउ ये ट्रक वाला है, इसको होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रक वाला है, सॉल्यूशन दे रखा है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इजी है। 14 और 15 होमवर्क। 16 पर आ जाइएगा, एग्जाम में पूछा था इसको। 14 और 15 होमवर्क है, चेक कर लेना, इजी है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखो इलस्ट्रेशन 15 में असेट्स कब से खरीदा है बता रहे हैं 2017, और बनाने के लिए भी बोला है 2017। यहां पर वर्किंग नोट नहीं बनेगा। 14 में चेक करते हैं, 14 में चेक करते हैं, मेरे को असेट की कॉज दी गई है 1/2016 की, और मेरे को बनाने के लिए बोल रहे हैं 2018 और 2019। भाई इलेक्ट्रिसिटी गई, बजी बैंड अभी। तो यहां पर वर्किंग नोट बनेगा जो हम लोगों ने बनाया, ठीक। नेक्स्ट धन्यवाद दुर्वेश। इलस्ट्रेशन 16 पर आ जाइएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 16, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022, ठीक है। चलिए सबसे पहले परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹2,00,000, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ₹2,00,000, स्पेंड ₹50,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल, ठीक है। खरीदने के बाद तुरंत रिपेयर चार्जेस किए, मशीनरी में ऐड हो जाते हैं, टू कैश ऑब्लिक बैंक ₹50,000, परचेज एडिशनल मशीनरी, ठीक है, अगेन टू कैश ऑब्लिक बैंक ₹3,50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन सेम डेट टू कैश ऑब्लिक बैंक ₹15,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी कब है 1/4/22, मतलब दोस्तों अगले साल है ये, ठीक है, अगले साल है। पहला साल क्लोज कर दो, पहला साल क्लोज कर दो, 2021 क्लोज कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइएगा दोस्तों, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। पहली मशीन है 2,50,000 की और दूसरी मशीन है 3,65,000 की, तो 2,50,000 पे पूरा 10% लगेगा, ₹25,000। एंड गाइस दूसरी जो मशीन है 3,65,000 की, उस पर लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 × 6 18,250। कितना बैलेंस बचेगा 6,15,000, 6,15,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया 5,17,750। असेट वाइज कैलकुलेट करूंगा तो पहला असेट था 2,50,000 का, 25,000 का डेप बचा 2,25,000, दूसरा असेट 3,65,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 18,250, बैलेंसिंग फिगर 3,46,750। न्यू बुक का इलस्ट्रेशन 8 एक्सप्लेन, मेरे को टेलीग्राम पर भेजो उसका फोटो, अर्चित टेलीग्राम पर भेजो, ये मेरा आईडी है CA_Darshan_Jain, मेरे को वो क्वेश्चन का फोटो भेजो टेलीग्राम पे अर्जेंट। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड ईयर करना है अब, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है क्या असेट में, नया खरीदा यूज करने के पहले खरीदा और उस पे रिपेयर लगा, बिल्कुल, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट ईयर, इसका ओपनिंग बैलेंस ले लिया हमने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,71,750। अब आपने क्या किया सेकेंड ईयर, सोल्ड सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1/1/21
फॉर रुपीज 1,55,000। सबसे पहले दोस्तों 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2,25,000 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2,25,000 इंटू 10% नहीं कितना है 10% ये इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 11,250 डेप्रिसिएशन लग गया। कितने में बेचा 1,55,000 बाय बैंक अकाउंट 1,55,000। कितना लॉस हो जाएगा देखिए, 2,25,000 की मशीन थी, फिर 11,250 का डेप लगा दिया, 1,55,000 में बेच दिया, बचा हुआ लॉस 2,25,000 माइनस 11,250 माइनस 1,55,000 58,750 का लॉस। और आखिरी ट्रांजैक्शन, बचे हुए जो भी मशीन है 10% का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब दूसरी कौन सी बची, यही तो बची है, उस पर 10% आ गया दोस्तों 34,375। ये बचा, लेजर क्लोज कर दिया, ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। नहीं डायरेक्ट भी दिखाया तो चलेगा लक्ष्मी, डायरेक्ट भी दिखाया तो चलेगा, अगर आप M1 M2 दिखाते हो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपेयर करेंगे तो वैल्यू बढ़ गई होंगी ना, नहीं रिपेयर कौन सा है ये देखना पड़ता है, वो असेट की वैल्यू बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। ये माना जाता है कि जब भी वो रिपेयर असेट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वहां पे क्लियरली दिया जाता है कि ये रिपेयर असेट की वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो ऐड होता है, बाकी कोई ऐड नहीं होगा। और जब भी कोई असेट खरीदते हैं, चाहे फर्स्ट हैंड हो सेकेंड हैंड हो, और तुरंत आपने रिपेयर किया, तुरंत बिफोर पुटिंग इट टू यूज, तो वो भी कैपिटलाइज हो जाता है। जैसे दोस्तों यहां पर क्या दिया हुआ है, तुरंत असेट खरीदा और तुरंत रिपेयर किया, तो दिस इज द रिपेयर डन बिफोर असेट इज पुट टू यूज, ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया क्या, बता दिया मैंने लक्ष्मी, अभी वही बताया कि 30,000 क्यों नहीं ऐड होगा, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पड़े थे, व्हेनेवर नया असेट आपने खरीदा है और तुरंत रिपेयर किया है तो वो ऐड होता है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड असेट बिफोर इट इज पुट टू यूज इज कैपिटलाइज इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। बाद में कोई भी रिपेयर करते हैं तो उसमें ऐड नहीं होता है, बेसिक पहले सेशन में पढ़ाया था, पहले सेशन में पढ़ाया था गाइस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। चलिए नेक्स्ट, सर कल भेज सकता हूँ डाउट इलस्ट्रेशन 8 का, अभी भेजना तुरंत सॉल्व कर देता हूँ, अभी भेज तुरंत, मतलब सर को काम पे लगा तू, अब सर मॉड्यूल खोलेंगे और इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे, और तेरे को डाउट है तो तेरे को भेजना जान पे आ रहा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, मतलब सर को काम पे लगा रहा है कि सर आप ढूंढो इलस्ट्रेशन 8 क्या है और फिर मेरे को बताओ, मेरी बारात में आएगा तू, आओ बारात में आए, मेरे शादी में आया क्या। चलिए नेक्स्ट, सर सुपर 75 एमटी शो कर रहा है अभी तक, हाँ तो करेगा बेटा, वो कुछ दिन बाद आएगा, जरा शांति रखो, जो पढ़ा रहा हो वो पढ़ो पहले ज्योति। चलिए असेट टू बी मेंटेन एट कॉस्ट, इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे आखिरी में, दो क्वेश्चन मैंने लाया, एक एग्जाम का है और एक सादा है, ठीक है। सादा वाला आपको मेरे प्रीवियस कोई भी वीडियो सर्च करना, दर्शन जैन डेप्रिसिएशन, दर्शन जैन डेप्रिसिएशन मैराथन, तो ये पहला वाला आपको मिल जाएगा मेरा, ठीक है, ये पहला वाला वहां पर आप कर सकते हो। दूसरा वाला जो नया है, अभी पिछले एग्जाम में आया था, पिछले के पिछले, वो मैं अभी आपके इस क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको आखिरी में करवाएंगे। अब एक क्वेश्चन आया, एक कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ था अमोर्टाइजेशन का, अमोर्टाइजेशन है क्या, अमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन वो किस पर लगाया जाता है, इनटेंजिबल असेट पे। तो इसके दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले वो निपटा लेते हैं,
आ जाओ नेक्स्ट। सर साथ साथ मुझे वो भी सॉल्व करने है, प्लीज जल्दी से डाल दीजिए। वो सब इसमें से ही है, वो सब इसमें से ही चे बेटा, वो क्वेश्चन इधर ध्यान दो, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, वो आखिरी दिन के लिए रखा है मैंने। सर मेरा इंस्टाग्राम क्लोज है, मोबाइल से भेजूंगा इसलिए कल कह रहा हूं। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। और वैसे एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, इसमें आ गया होगा वो क्वेश्चन नंबर 8, देख ले। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है टॉपिक का, पूरे क्वेश्चन ले लिए मैंने इसमें, इसमें 100% वो कवर हो गया होगा। सर आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया टेलीग्राम पर, अभी तुरंत दे देता हूँ बेटा, देखा नहीं होगा मैंने। हाय डालो एक बार। कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट, द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल असेट ऑन 1st July 2021, डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 28 lakhs एंड स्पेंट 2 lakh टुवर्ड्स लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों 28 लाख रुपए का पेटेंट लिया और उस पर 2 lakh रुपया खर्चा लगा, वो ऐड हो जाएगा, 30 lakh का पेटेंट हो गया। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 10 years, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर, शो पेटेंट अकाउंट एंड अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर 21 एंड 22। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता मेरे को बता, सिंपल क्वेश्चन है, नाम क्या दे दिया, अमोर्टाइजेशन। बच्चे अरे सर कुछ तो भी नया आया, कुछ भी नया नहीं है बेटा, सिर्फ डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड अमोर्टाइजेशन है। इससे इजी क्वेश्चन पूरे सिलेबस में हो नहीं सकता। सर सुपर 75 से कितने परसेंटेज बन जाएगी, आप पर है, आप पर डिपेंड करता है। चलिए तो दोस्तों ये था 30 लाख रुपया, हर साल कितना लगेगा अमोर्टाइजेशन, 3 लाख रुपया। अब बहुत सिंपल है, आ जाओ करते इसको। 1 जुलाई 2021 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 28 लाख, ये 2 लाख रुपया उसके रजिस्ट्रेशन के। अब पहला साल कब खत्म हो रहा, 2021 दिसंबर, और कितने साल का, कितने महीने का अमोर्टाइजेशन लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का लगा दो दोस्तों 1.5 लाख रुपया। ठीक है ये बच गया बैलेंसिंग फिगर, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है कितना लगेगा अमोर्टाइजेशन, 3 लाख रुपया पूरे साल भर का, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। मेरे को बताओ क्या नया करे अपन ने इसमें, क्या नया करे अपन ने, मेरे को कोई बताएगा क्या नया है इसमें, सिर्फ नाम नया दे दिए अमोर्टाइजेशन, बाकी कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। अब अर्चित चले जाते यहां से, अब न तो गायब भी कर देता। देखो अब थेरी लीजिए ना चैप्टर 1 की फुल, अरे बैगन हो गया ना रे चैप्टर 1, और बोला ना थ्योरी क्वेश्चन लूंगा आखिरी में, शेड्यूल मालूम नहीं, आ जाते अपना नींद में से उठ के, इलस्ट्रेशन 8 बताओ, इलस्ट्रेशन 8 के आते पते नहीं है, चैप्टर 1 फुल कराओ, ऑलरेडी हो चुका है, थ्योरी लो, थ्योरी का सेशन आने वाला है, कौन से तारीख को आने वाला है ये भी डिटेल दे दी गई है, लेकिन नहीं क्या नींद में से उठ के आ गए आज, होपलेस, पास होना है बोले मेरे को। पेटेंट अकाउंट बनाया है वो न्यू है शायद, अरे बेटा मशीनरी की जगह पेटेंट, समझ में आया क्या सभी को। अर्चित जैन कैसे टीचर है, बहुत अच्छे है बेटा, तू कैसा स्टूडेंट है ये देख पहले, अते पते नहीं है, आ जाता अपना कुछ भी लिख रहा, थेरी लो, बैगन लो, आलू लो, जबकि सब ले लिया है, देखेगा कौन। मेरे को तो सर रेडीमेड की आदत है ना, मेरे को तो रेडीमेड की आदत है, देखेगा कौन। सर दिस इज द क्वेश्चन विच द स्टूडेंट वॉज आस्किंग, दो अरुण अनुराधा ने भेज दिया, चेक करता हूं मैं।
यही तो है रे पीर, क्या बोला मैंने वो अभी तो बोला ना यार, ए ले रे बैगन हर्षित, अभी क्या सुनाया रे फिर, क्या सुनाया मैंने कि ये जो क्वेश्चन है, ऐसे दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये आपको मेरे कोई भी मैराथन में मिल जाएगा, ठीक है। सर्च करना दर्शन जैन डेप्रिसिएशन मैराथन, वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, सॉल्व कैसे किया है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आज नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन इसका ही भाई इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं ले रहा हूं, ठीक है। कब ले रहा हूं? इसके बाद। थैंक यू अनुराधा फॉर सेंडिंग द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19, और अमोर्टाइजेशन बनाने के लिए भी बोला है सेम, पहले साल 1.5 लाख पीएल में जाएगा, दूसरे साल 3 लाख पीएल में जाएगा। कुछ था क्या बेटा इसमें, कुछ था क्या डिफिकल्ट, कुछ था क्या डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं। कम से कम गूगल ड्राइव तो देख लेते कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन लेने वाला हूं। गूगल ड्राइव में ऑलरेडी नोट्स चले जाते, बच्चे कितने नादान है समझो आप, जो जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं बच्चों की नादानी देखो, मतलब कितना रेडीमेड चाहिए लोगों को। ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर देता हूं मैं गूगल ड्राइव पे कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऑलरेडी आपको लेक्चर शुरू होने के पहले पता होता है कि नोट्स में कौन कौन से क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन सोच रहा हूं वो क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है या नहीं वो भी चेक करना तुमसे हो नहीं रहा, मतलब कितना रेडीमेड चाहिए भाई, कितना रेडीमेड चाहिए। और जिसको ये रेडीमेड की आदत है लिख कर ले लो, जिंदगी में कभी पास नहीं हो सकता, जिंदगी में। अब इतना रेडीमेड, कल को तो फोन करके बोलेगा सर फ्री हो गया 20 तारीख को, मेरा पेपर लिखना है सीए फाउंडेशन का, अकाउंट्स का। अरे हद है, अरे हद है, अरे सुधर जाओ। चलिए नेक्स्ट। यस थैंक यू अनुराधा। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अ मूवी फॉर रुपीज 18 लाख विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड बीइंग 10 ईयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। सेम है ये, रिविजन इन द यूजफुल लाइफ, ठीक है। 18 लाख की आपके पास स्ट्रीमिंग राइट्स थी, मतलब इनटेंजिबल असेट थी। 18 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू जीरो, लाइफ कितनी है 10 साल, हर एक साल कितना राइट ऑफ करना है 1,80,000। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, मतलब 3 साल हो गए, 3 साल में आपने कितना राइट ऑफ किया, पहले साल 1,80,000, दूसरे साल 1,80,000, तीसरे साल 1,80,000, तो कुल मिलाकर 18 लाख में से आपने 5,40,000 राइट ऑफ कर दिया, कितना बचा 12,60,000। और आप कितनी लाइफ बची अगले 5 साल ही स्ट्रीम करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 5, 2,52,000। अब इतना इजी है ये, इतना इजी है ये। इलस्ट्रेशन 8 में प्रोविजन ऑफ असेट और असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने को कहा है। हाँ बेटा कर रहा है अपन वो, और जो क्वेश्चन तू बोल रहा है उस पर वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे। मैं दूसरा एक क्वेश्चन, दो में से एक ही ले पाऊंगा अभी, और दूसरा ले रहा हूं क्योंकि पहला ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च किया तो मिल जाएगा, चेक करना दोस्तों। किसी को कोई शक?
चलिएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, आइएगा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पर. When the assets are maintained at cost, जब भी cost पर asset को maintain करते हैं तो क्या होता है, हमको asset account बनाना पड़ता है जो हमेशा cost पर दिखता है. Provision for depreciation account बनाना पड़ता है जो आज तक का depreciation बताता है. Asset disposal account बनाना पड़ता है जो profit और loss बताता है. ठीक है, आइएगा दोस्तों check करते हैं. ध्यान देना, नया concept है, नया मतलब था पहले भी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, चेक. परचेस ऑफ असेट, ट्रेडिशनल तरीके में क्या करते थे, असेट टू बैंक, यहां पर भी वही करना है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है. ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री, हमारे ओरिजिनल सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, डेप्रिसिएशन टू असेट, यहां पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप बेचते हो, तो जब भी आप बेचते हो गाइस असेट, ट्रेडिशनल सिस्टम में एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू असेट अकाउंट. ठीक है, यहां पर क्या एंट्रीज होंगी, चेक, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल, फिर असेट का बैलेंस नील करना है, असेट को बुक्स में से हटाना है, असेट डिस्पोजल टू असेट, और जो भी आज तक का डेप्रिसिएशन जो असेट पे लगा है उसको रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट डिस्पोजल. अब असेट डिस्पोजल क्लोज करेंगे, डेबिट बैलेंस आएगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, चेक कर लेना. डिस्पोजल मतलब बेचना, गायब करना, बुक्स में से हटाना, उसको कहते हैं डिस्पोजल. आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, जब भी असेट परचेस करेंगे असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब भी असेट बचेंगे, तीन एंट्रीज होंगी. ठीक है, सेल लिख दे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा. चलिए आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं. अभी इस पे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा. ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल है, ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल है, डेप्रिसिएशन सर्च मारना, आखिरी में आखिरी के 10-15 मिनट देख लेना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा. इसी का एक भाई है जो मैं ले रहा हूं जो एग्जाम में आया था. आइए चेक करते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू सो मच संस्कृति, ग्लैड टू हियर दिस सर, योर रिविजनरी सीरीज एंड सुपर 75 हेल्प्ड अ लॉट इन क्लियरिंग सीए फाउंडेशन, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए इंटर. आइएगा दोस्तों, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर डेप्रिसिएशन, चेक. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपियर इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइजेस मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1/4/21. मशीनरी में दोस्तों 12 लाख रुपए का बैलेंस था 1/4/21 में, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस था 4,65,000. मशीनरी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमेशा प्रोविजन में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, बिल्कुल आ जाना शमी. नेक्स्ट, नाउ ऑन 1st अक्टूबर 21
The machinery which was purchased on 1/4/18 for rupees 2 lakh was sold for 1,10,000, and on the same date another machinery was purchased for rupees 4,80,000. The firm has been charging depreciation at 10% on returned on value of the machinery every year. Prepare the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for their ending 31st March 2022. दोस्तों लिखकर करेंगे इसको, आराम से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों भी लेजर बना लीजिएगा, मशीनरी अकाउंट हाफ पेज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हाफ पेज एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हाफ पेज, तीनों भी लेजर हाफ हाफ पेज के लिए बना लीजिएगा। पानी लेकर आता हूं दोस्तों, जब तक फॉर्मेट बना लीजिएगा और तीन बार ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और चालू कीजिएगा, जो जो समझ में आ रहा है पोस्ट करना शुरू कीजिएगा। अरे गाइस नीचे जा रहा था, बॉटल हाथ में से गिर गई, सब घर वाले उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, बॉटल गिर गई।
चलिए वन लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है 12 लाख, लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख। मशीनरी अकाउंट में 1421 आपको लिखना है, आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 4,65,000 क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन में, लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,65,000। 1421 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,65,000। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 1st October 2021 द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/2018 फॉर रुपीज 2 लाख वॉज सोल्ड ऑन फॉर रुपीज 1,10,000। अब दोस्तों पिछले असेट की डिटेल दी गई है, वर्किंग नोट बना लेना है इसका, इसका पूरी तरह वर्किंग नोट बना लीजिएगा कि भाई 2 लाख रुपए की खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2018 के दिन। और कितने में बेची? 1,10,000। कब बेची? 1 अक्टूबर 2021 के दिन। चलिए नेक्स्ट आइएगा, वर्किंग नोट बनाते हैं। कॉस्ट ऑन 1/4/18 2 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन फॉर 18/19 क्या रेट है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है 10% WDV, ठीक है। ये हो गया 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन, WDV 1,80,000, फिर 19/20 के 18,000, फिर 1/4/20 1,62,000 डेप्रिसिएशन, 20/21 का 16,200, फिर 1/4/21 के दिन 1,45,800। अब यहां से ध्यान देना, अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, कितना लगेगा? 1,45,800 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6। असेट बेचने के पहले कितनी वैल्यू हो गई? 1,38,510। कितने में बेचा? 1,10,000। कितना लॉस हुआ? 28,510 रुपया। ये वर्किंग नोट सेम जो पहले किया था। अब है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग, अब है दोस्तों इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग। ये लिख लिया सभी ने वर्किंग नोट वन, ये वर्किंग नोट वन सभी ने लिख लिया। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन की एंट्री, जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख देंगे गाइस, लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7290, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7290। अब असेट को बेचा है, असेट को बेचा है तो क्या क्या एंट्रीज होती? सबसे पहले तो भाई कितने का असेट बेचा, कितने का असेट बेचा? 2 लाख रुपए का असेट बेचा, एंट्री हो जाएगी असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट मशीनरी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये पहली एंट्री। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी, और मशीनरी के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी डिस्पोजल 2 लाख। दूसरी एंट्री जो होती है कितने में बेचा, कितने में बेचा मशीन को? 1,10,000 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल,
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 1,10,000, लक्ष्मी गिरी डिस्पोजल से भी क्वेश्चन आते क्या? दिमाग तो ठिकाने पे है ना लक्ष्मी तुम्हारे, दिमाग तो ठिकाने पे है ना आपका। मैंने क्या बोला अभी, मैंने क्या बोला, मैं क्या क्वेश्चन करवा रहा हूं ये? दिस इज अ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। चार चार बार बोला हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए आया था। फिर पूछते हैं कि इस पे से क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में, हद हो गई है यार, हद हो गई यार, हद हो गई अब। चलिए नेक्स्ट। अब आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन उस पर लगा था इस असेट पर, वो पूरा की पूरा रिवर्स कर देंगे। आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगाए, ये क्वेश्चन है पिछले 2 एग्जाम पहले का, ठीक है? आई थिंक ये जून 23 या दिसंबर 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 22 या जून 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज तक अब जितना भी डेप्रिसिएशन आपने लगाया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब असेट ही नहीं रहा तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगा। तो आज तक ये असेट पे आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है कैलसी लेंगे, ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200 प्लस 7,290, कुल मिलाकर आपने 61,490 का डेप्रिसिएशन लगाया था। अब उसको रिवर्स कर देंगे। जब डेप्रिसिएशन लगाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ था, अब रिवर्स कर रहे हो तो दोस्तों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी डिस्पोजल 61,490 एंड गाइज मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 61,490। सर हम गरीब बच्चे, गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि ध्यान किधर है करके। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले बोल दिया एग्जाम का क्वेश्चन है, फिर पूछते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, फिर बोलते हैं गुस्सा क्यों हो रहे। भाई मेरा नुकसान नहीं है, तुम लोगों का है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख के करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो भी मैंने असेट बेचा उसकी पूरी अकाउंटिंग समाप्त हो गई। उसके बाद अगला, द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 4,80,000। अब आपने एक नया मशीनरी खरीदा 4,80,000 का, ठीक है? चलिएगा दोस्तों, आइएगा चेक करते हैं एंट्री क्या हो जाएंगी। असेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक 4,80,000। ओके बहुत बढ़िया। अब क्या बचा? अब बचा है डेप्रिसिएशन। अब क्या बचा है दोस्तों? डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? अब ये 4,80,000 का तो क्लियर है कि भाई 4,80,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया 4,80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 मंथ्स। ₹24,000 इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है ओपनिंग बैलेंस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरा असेट बेचा है क्या मैंने? जी नहीं।
अब आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करवा रहा हूं, चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करवा रहा हूं, चेक करना। नाउ ओपनिंग बैलेंस कितना था, ध्यान से देखना जो मैं अभी लिख रहा हूं। कुल मिलाकर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया है, 4,65,000, ठीक है, जिसमें से ये 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,254,200 ये जो मशीन बेची है उस पर लगा है। ओपनिंग बैलेंस चेक करना, ओपनिंग बैलेंस कितना है, आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 4,65,000। अब ये 4,65,000 दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये है आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन, एक ऑन सोल्ड कितना होगा, ऑन बैलेंस कितना होगा। तो जो सेल किया है उसका तो वर्किंग मेरे पास है कि ये एक लगा था, ये एक लगा था और ये एक लगा था, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200 मतलब 54,200 इस पर लगा था, एंड बैलेंस जो मेरे पास मशीन बची है उस पर कितना डेप्रिसिएशन आज तक लगा हुआ है, आज तक लगा हुआ है दोस्तों 4,10,800, ठीक है। वैसे ही असेट की कॉस्ट कितनी है, असेट की कॉस्ट भी है दोस्तों 12,00,000 रुपए, जिसमें से सोल्ड की कॉस्ट कितनी थी, 2,00,000, अनसोल्ड जो अभी भी मेरे पास है उसकी कितनी हो जाएगी, 10,00,000। तो दोस्तों आज आज दोस्तों कितनी वैल्यू बची है मशीन की, 10,00,000 की कॉस्ट थी, उसमें से आज तक का लगाया हुआ डेप्रिसिएशन 4,10,800, कुल मिलाकर दोस्तों 10,00,000 माइनस 4,10,800 5,89,200 का मेरा ये मशीन बचा हुआ है, उस पर 10% लगा देंगे और नई मशीन पर 24,000 लगा देंगे, ठीक है, चेक करना दोस्तों। असर्टेनमेंट ऑफ WDV ऑफ मशीन स्टिल अवेलेबल एज ऑन 1/4/21, ठीक है। ये आ गया 10,00,000 की मशीन, आज तक का डेप्रिसिएशन उस पे, ये उसकी वैल्यू, इस पे 10% लग जाएगा, ये आ गया 58,920 और दोस्तों नया मशीन आ गया 24,000, टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा 82,920। एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 82,920। इंटायर क्वेश्चन कंप्लीटेड, आइएगा लेजर क्लोज करते हैं। मशीनरी अकाउंट क्लोज कर लिया, डेबिट साइड में 16,80,000, क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 16,80,000, बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज करूंगा, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में भी लिख दूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 4,93,720। एंड गाइस मशीनरी डिस्पोजल डेबिट साइड का टोटल 2,00,000, क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 2,00,000, ये आ गया मेरा लॉस 28,510 जो असेट बेचा था, ठीक है। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 एंड वर्किंग नोट 3, किसी को कोई शक हो तो बताइए। किसी को कोई शक हो तो बताइएगा, एक बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे, कोई डाउट है पूछेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉल्यूशन आपके बुक में है, एक बार पूरा सॉल्यूशन चेक करेंगे, कोई भी डाउट हो पूछेंगे।
एक और क्वेश्चन है इस पे शुभ्रा का, जो अर्चित बता रहा था वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके सर्च कर लेना दोस्तों और वो भी एक क्वेश्चन देख लेना, पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ असेट एट कॉस्ट। क्या हाल है देवार्पण, कैसे कैसे मना रहे हो छुट्टियां? सर टोटल डेप्रिसिएशन में 7290 नहीं लेना है क्या? बेटा अपन पहले दिन का निकाल रहे हैं ये वैल्यू, ये जो निकाल रहे हैं बेटा ये पहले दिन की वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट डे की वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट डे की वैल्यू निकाल रहे हैं। और वो जो 7290 का डेप्रिसिएशन लगा है वो इस साल में लगा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं ये निकाल रहा हूं कि पहले दिन ये 4,65,000 में किसका कितना डेप्रिसिएशन है। आई होप दिस इज क्लियर। दृष्टि समझ में आया क्या? चलिए एनी मोर डाउट्स? हर एक क्वेश्चन मैंने स्टडी मटेरियल का कवर किया, इनफैक्ट एक्स्ट्रा किए हैं, कुछ एग्जाम के भी क्वेश्चन लिए, इसके अलावा और कुछ भी आएगा नहीं। केवल एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है इसमें, जो आपको यूट्यूब से देखना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर नहीं बन पा रहा है तो यूट्यूब पर एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है? लेकिन पहले खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 17 सेम है जो अभी अपन ने किए, वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है? सर शायरी, क्या शायरी सुनता रहे? कौन सी शायरी सुनता रहे आप? सर सॉन्ग सुना के एंड कर दो। कौन सा सॉन्ग सुनते हैं आप? बस रे अब एक बज गए रे, काय का सॉन्ग कल सुना था अब। चलिए जाते आते दो लाइन। तेरे छोड़ जाने की शिकायत करूं भी तो किससे, तेरे छोड़ जाने की शिकायत करूं भी तो किससे, तुझे पाने के बाद उस रब को भी भूल गया था मैं। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन, बाय बाय। जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक छोड़ देना दोस्तों। कल मिलेंगे, कल चालू कर रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप दोस्तों। टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है? चलिए हैव अ ग्रेट नाइट एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं कल, सी यू।